तो जो लोग आ गए हैं वो Spotify पे मैं स्टार्ट करूंगा। जो लोग आ गए हैं उनसे अभी ऐसे ही डिस्कस डिफरेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों का फॉर एग्जांपल वन बाय वन बता दें कि एनएलपी पढ़ने का टारगेट क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सर माय नेम इज अब्दुल हफीज। एक्चुअली सर मेरा आई एम परसुइंग पीएचडी, तो मेरा एक्चुअली रिसर्च जो है वो इसी डोमेन में है। तो दैट्स व्हाई मैं जो वो दोबारा से एमएस में जो पढ़ा था उससे दोबारा से इसकी टेक्निक्स जो न्यू इन्वेंटेड है उनको रिपीट करना चाहता हूँ, और काफ़ी सारी नई चीज़ें जो है वो मुझे जो इस कोर्स से मिल जाएंगी जो कि मैं स्टडी कर सकता हूँ। सही। अच्छा और कोई अच्छा, आप सबने अप्लाइड प्रोग्रामिंग तो पढ़ी होगी जी सर, और पाइथन जी मौजूद जी सर, हो, पाइथन अप्लाइड प्रोग्रामिंग और पाइथन पे आप लोगों ने काम कर लिया होगा। ये तो नॉर्मल है, ये तो वैसे एनएलपी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक तो एक कोर्स है वो अलग है। आपके ख्याल में एनएलपी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं तो क्या होगी? कोई रफ आइडिया कहाँ कहाँ किस किस किस्म के सॉफ्टवेयर्स बनते हैं? सर काफ़ी सारे बुक लेके जा रहे हैं तो उनको डिजिटाइज करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे मुझे लगता है एनएलपी की एप्लीकेशन होगी। सर अभी कुछ कॉल सेंटर्स वाले हैं जो एक्चुअली इसको जो है वो यूज कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है उन्होंने सॉफ्टवेयर फॉर्म से बनवाया हुआ ये सिस्टम, जो कि कॉल आती है उनके पास वो कॉल रिकॉर्डिंग करके जो है उसके टेक्स्ट को जो है वो एक्चुअली एनालाइज कर रहे हैं ताकि वो जो है वो डेटा गैदर कर सकें और उससे निकाल सकें किस नौीयत का जो है उनका डेटा कलेक्ट होता है, ताकि वो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन को जो है वो मेरे ख्याल से ह्यूमन की जगह पे जो है वो मशीन से जो है वो शिफ्ट करते हैं। कॉल सेंटर्स वाले ये चैटबॉट्स पे, सही, ये बहुत ज्यादा काम हो रहा ताकि वो टेक एक्चुअली टेक्स माइनिंग दे आर परफॉर्मिंग ताकि वो फिर उससे वर्किंग करवा सके। है। और वैसे सबसे सर सिंपल लैंग्वेज आप ट्रांसलेशन के लिए काम हो रहा है बेसिकली। एलेक्सा, सही है, एलेक्सा यूज कर रहे हैं मशीन ट्रांस। अच्छा सबसे कॉमन चीज क्या यूज की आपने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड अलाइड फील्ड्स की? सर सर गूगल जो है वो OCR आजकल कैसे? दे रहा है जो कि प्रेडिक्ट कर देता है, जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं ईमेल वगैरह करते हुए, ये ज्यादातर सारे लोग ही यूज कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है वो एनएलपी के अंदर का ही जो है वो एक काम है जो कि वंस अगेन माइनिंग की तरफ ही जाएगा मेरे ख्याल से, टेक्स्ट माइनिंग की तरफ। ना माइनिंग भी और लैंग्वेज मॉडलिंग भी अभी आएगा, तो इवन गूगल जो नेक्स्ट सेट नेक्स्ट वर्ड कंप्लीशन कर रहा है या नेक्स्ट वर्ड सजेशन कर रहा है, तो वो चीज गूगल खुद भी जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है, लेकिन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में एनएलपी की टेक्निक्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हेल्प कर रही होती है। वैसे तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के कोर्स में ये भी होता है कि आपको सिस्टम को स्ट्रक्चर किस तरह से करना है कि एफिशिएंट सर्चिंग हो सके, लेकिन वर्ड्स को किस तरह से समझना है और सिनोनिम्स को किस तरह से समझना है, तो वो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और गूगल के काम की चीजें भी आती हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 45 हो गए। तो अब इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट अभी जो हम देखने जा रहे हैं, अच्छा एक बात पहले पार्ट्स पे भी जाने से पहले, गूगल क्लासरूम मैंने बना दिया था इसका, और इसका लिंक आपसे ये
इसका क्लास कोड शेयर कर लिया है, तो आप इसमें ऐड हो जाइएगा। मैं पहली प्रेजेंटेशन यहाँ रख दूंगा और फिर सारी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स वगैरह गूगल क्लासरूम में मौजूद होंगे। तो अब ये कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस क्या हैं, मेजर लैंग्वेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस क्या हैं और इसमें हम किस तरह से डील कर सकते हैं। तो मेजर एक जो है वो मशीन ट्रांसलेशन, एनएलपी पे लोगों ने सबसे ज्यादा काम पहले काम करना शुरू किया कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में किस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो आपके पास एक लैंग्वेज में टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये गूगल ट्रांसलेट का रियल आउटपुट है और उसने दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया। अच्छा, इसमें ये देख लें, इसने दो काम किए हैं। पहले तो मैंने जो टेक्स्ट लिखा था उसकी लैंग्वेज नहीं बताई थी, तो उसने उर्दू डिटेक्टेड किया है, यानी खुद डिटेक्ट किया कि ये उर्दू में लिखा है, फारसी या अरबी में भी नहीं लिखा, सिंधी में नहीं लिखा है, बल्कि ये उर्दू में लिखा है। और लैंग्वेज डिटेक्ट करने के बाद उसने फिर ये किया, इस लैंग्वेज को मैंने कहा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। तो एक एप्लीकेशन इसकी मशीन ट्रांसलेशन है। अच्छा, दूसरी एप्लीकेशन, इसी एप्लीकेशन को आप देख लें कि मशीन ट्रांसलेशन नॉर्मल उर्दू स्क्रिप्ट पे भी चल रही है और ये जो उर्दू का रोमन स्क्रिप्ट है उस पर भी चल रही है। तो उसी सेंटेंस को मैंने रोमन में लिखा था और उसने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया। थोड़ा सा फर्क ये पड़ा कि उसने रोमन जो है अभी उर्दू को डिटेक्ट नहीं करता, रोमन हिंदी को डिटेक्ट करता है, इसीलिए उसे वजीर आजम हिंदी की उसमें नहीं मिला, वजीर आजम को उसने इंग्लिश में वजीर आजम ही रहने दिया, प्राइम मिनिस्टर नहीं किया। तो मशीन ट्रांसलेशन एक एग्जाम्पल है और हमें ये देखना है कि मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम किस तरह बनता है। दूसरी चीज जो एग्जाम्पल है वो है क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स। क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स, अभी जो आप लोग दो तीन लोगों ने कहा कि चैटबॉट वाली बात के कंप्यूटर से बात की जाए, एक इंसान बात करे कंप्यूटर से और कंप्यूटर उसे रिप्लाई कर दे, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है। क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने एक सवाल पूछा और उसका एक जवाब आ गया, तो ये क्वेश्चन आंसरिंग है। चैट बॉट, जाहिर है चैट लॉन्गर होती है, तो अब सवाल जो जवाब आया उसके जवाब में आपने एक और सवाल पूछा, उसका भी जवाब आया, तो वो कॉन्टेक्स्ट देखते हुए जो क्वेश्चन आंसरिंग बोली होती है उसमें नॉर्मली वो चैट बॉट्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आंसरिंग्स हैं, चैट बॉट है, ये सारी फील्ड्स हैं। तो क्वेश्चन आंसरिंग का जो सबसे कामयाब तजुर्बा है वो IBM वॉटसन है। अमेरिका में एक गेम शो होता है, एक क्विज शो होता है जेओपर्डी, उसके ये जो बाकी दो लोग मौजूद हैं स्क्रीन पर उसके पिछले दो सीजन्स के चैंपियंस थे। IBM वॉटसन ने अपना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बनाया, जिसके लिए उन्होंने विकिपीडिया पूरा कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस करके उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन पूरी एक फील्ड है, एक दफा मैंने पूरा कोर्स के तौर पे भी पढ़ाया था। और इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसने डेटाबेस में रखी और फिर जो सवाल आया उससे क्यूरी बनाई और उस क्यूरी को उस डेटाबेस में सर्च किया और रिजल्ट ला के दे दिया। तो ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम प्लस क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम ने पिछले दो सीजन के चैंपियंस से तकरीबन 3 गुना या 3.5 गुना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। तो ये बड़ी सक्सेस थी क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम की और उसके बाद लोग काम करने लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत हैवी कंप्यूटर होता है। दूसरी चीज, ये तो एक बहुत हैवी कंप्यूटर वाली बात थी, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम हमारे इस्तेमाल आम इस्तेमाल में भी है। एंड्रॉइड फोन है आपके पास, तो अभी आप ओके गूगल कहें माइक पे क्लिक करके, तो वो आप उससे क्वेश्चन पूछें, वो आपको आंसर दे देगा। इसी तरह से एप्पल का सिरी है, माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्टाना है, एलेक्सा जो है वो अमेजोन का है और मल्टीलिंगुअल है, एलेक्सा हिंदी में भी मौजूद है। तो ये सारे सिस्टम, बल्कि ये गूगल नाउ, ओके गूगल भी हिंदी में मौजूद है, उर्दू शायद अभी नहीं आई, तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। और ये भी क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम्स बन रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन पूछता है उसके वो उसे सर्च करता है, इसके पास एक डेटाबेस मौजूद है, उस स्ट्रक्चर डेटा में से वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके लाता है और आपको आंसर रिप्लाई दे देता है। अच्छा, एक चीज याद रखनी है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम हमेशा टेक्स्ट प्रोसेसिंग की बात कर रहे होते हैं, तो जो स्पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग
में कन्वर्जन हो रही होगी वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के स्कोप में नहीं आती, क्योंकि वो सिग्नल प्रोसेसिंग है तो उसे किसी और डोमेन में देखा जाता है, स्पीच प्रोसेसिंग का कोर्स अलहदा से होता है। इसी तरह से OCR जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में नहीं आता क्योंकि वो कंप्यूटर विजन के अंदर आ जाता है। हमारा NLP का में काम ये होता है कि अगर आपके पास डिजिटल टेक्स्ट आ गया है प्रोसेस होके, तो उस टेक्स्ट को किस तरह से प्रोसेस करें। तो ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया, इनमें दो सिस्टम लगे होंगे, एक स्पीच प्रोसेसिंग सिस्टम जो स्पीच को कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में, और फिर एक क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम जो उस टेक्स्ट का आंसर ढूंढ के लाएगा। तो सिर्फ जो क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है वो NLP के अंडर में हम पढ़ते हैं, स्पीच प्रोसेसिंग एक अलहदा कोर्स होता है। सर अभी आपने शेयर्ड स्ट्रक्चर की बात, मतलब स्ट्रक्चर डेटा की बात की, तो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा या अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है? अच्छा, अच्छा सवाल है। तो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन क्वेश्चन आंसरिंग के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट है कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन ये करेगा कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, जो नॉर्मल हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रक्चर डेटा में, डेट इज इंफॉर्मेशन एक्सट्रक्शन। और उस इंफॉर्मेशन एक्सट्रक्शन के ऊपर फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम चलता है कि वो स्ट्रक्चर डेटा में से सर्च करके लाएगा आमतौर पर ये। या जो क्लासिकल मॉडल है वो ये है कि वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रक्शन वाला सिस्टम अनस्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेगा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और फिर क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम जो है वो क्यूरी, आपने जो सवाल पूछा उसे क्यूरी में कन्वर्ट करेगा, और वो क्यूरी जाएगी स्ट्रक्चर डेटाबेस में, स्ट्रक्चर डेटा में। डेटाबेस में कह रहा हूँ तो वाइड रिलेशनल डेटाबेस की बात नहीं कर रहा, डेटाबेस की जो जनरल डेफिनेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, वरना आप स्ट्रक्चर डेटा कह रहे हैं। तो नॉर्मली तो ये है, डीप लर्निंग आने के बाद सारी क्लासिकल डेफिनेशन चेंज हो गई हैं। तो आगे जाकर आप ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसे क्वेश्चन दें और एक डॉक्यूमेंट दे दें या पैराग्राफ दे दें, उस पैराग्राफ में से उस क्वेश्चन का आंसर वो निकाल के ले आए, बीच में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का स्टेप गायब हो जाए। तो डीप लर्निंग में इस कोर्स में ज्यादा इंफेसिस हो रहा है, और इसी वजह से हो रहा है कि वो ये कहता है कि इंटरमीडिएट स्टेप्स जो क्लासिकल सिस्टम्स में, जो आज से मुश्किल से 10 साल पहले तक या 5 साल पहले तक जो बताया जाता था कि पहले आपको ये स्टेप करना है फिर ये स्टेप करना है, वो सारे स्टेप स्किप करके आप बहुत सारे काम डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसे एंड टू एंड कहते हैं। तो डीप लर्निंग में तो इस तरह का एंड टू एंड सिस्टम हो सकता है, वरना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन और आंसर रिट्रीवल दो पार्ट होते हैं क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम के। तो वो दो क्लासिकल सिस्टम्स में ये दोनों अलहदा अलहदा होंगे। तो पहले स्ट्रक्चर्ड बना दें हम डेटा, और फिर आंसर रिट्रीवल सिस्टम चलेगा जो उस स्ट्रक्चर्ड डेटा से आंसर रिट्रीव करके लाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, फिर ये, और ये यही फील्ड ऐसी है जिसकी वजह से आजकल बहुत ज्यादा NLP पे काम हो रहा है कि हमें ये चाहिए, चैटबॉट चाहिए, क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम चाहिए, हमें एलेक्सा या ओके गूगल या सिरी उर्दू में चाहिए कि वो उर्दू के पेजेस को सर्च करके स्ट्रक्चर डाटा बना ले और वहां से रिजल्ट ले आए। अच्छा, उसके बाद तीसरी एक और एग्जाम्पल, टेक्स्ट माइनिंग। टेक्स्ट माइनिंग का मकसद क्या है कि टेक्स्ट में से इंफॉर्मेशन गेन करना, और बहुत तरह की इंफॉर्मेशन होती है, आपको इसमें से जितनी चीजें नजर आ जाए वो देख लेते हैं। तो टेक्स्ट माइनिंग, फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये IBM वॉटसन, जो IBM ने अपनी वॉटसन लाइब्रेरी क्लाउड पे रखी हुई है कि आप क्लाउड पे उनका उनकी APIs चल रही हैं, उसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट दें और वो उसे एनालाइज करके दे देगा। तो ये उसमें से सेंटिमेंट एक्सट्रैक्ट करता है, इमोशन एक्सट्रैक्ट करता है, कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करता है। ये क्या चीजें हैं ये पूरे कोर्स के दौरान हम समझ लेंगे, एंटिटीज, कैटेगरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड सेमेंटिक वर्ड्स। तो IBM वॉटसन, गूगल क्लाउड, AWS, अमेजोन वेब सर्विसेज, इन तीनों में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के क्लाउड कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। और इवन अब तो उर्दू के लिए भी क्लाउड कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, जुईटी लाहौर वालों ने कुछ चीजें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग वगैरह के सिस्टम बना के रखे हुए हैं कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब अगर तीन बड़े जाइंट अमेजोन, गूगल और IBM इसकी क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट होंगे। और इसी में मेरा एक इम्फेसिस होता है कि पाकिस्तान उर्दू एंड अदर पाकिस्तानी लैंग्वेजेस पे काम किया जाए, क्योंकि
इनके कंपोनेंट्स सारे नहीं बने हुए, जैसे उर्दू का एंटिटी एनालिसिस ऑनलाइन कोई अवेलेबल नहीं है, और इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो सेमेंटिक रोल एनालिसिस ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो इनकी मार्केट अवेलेबल होगी, लोग एंटिटीज गेन करना मालूम करना चाहेंगे कि आज के सारे अखबार डाउनलोड कर लिए और आप लोगों ने पिछले अप्लाइड प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डाउनलोडर्स बनाना और ब्यूटीफुल सोप के जरिए चीजों को डील करना वो देखा है, तो आज के सारे ट्वीट्स आपने डाउनलोड कर लिए या आज के सारे अखबार डाउनलोड कर लिए, उसमें से एंटिटीज देखनी कि आज किस पे ज्यादा बात हुई, किस टॉपिक पे या किस पर्सनैलिटी पे ज्यादा बात हुई, तो इस तरह की एप्लीकेशंस बनाने एक चैलेंज है जो इनके थ्रू हो सकता है। जी कोई सवाल कर रहे थे? अच्छा, एक और चीज गूगल न्यूज की जो सबसे शानदार एक शानदार चीज है, अगर आप news.google.com पे जाएं और वहां पर आपको न्यूज स्टोरीज मिलेंगी, ये न्यूज स्टोरीज किसी एडिटर ने नहीं रखी बल्कि खुद से पिक की गई है, यानी आप वो जाएगा डॉन की वेबसाइट पे, सीएनएन की वेबसाइट पे, बीबीसी की वेबसाइट पर, और वहां से स्टोरीज अपने पास डाउनलोड कर लेगा और उसके बाद उनको डिफरेंट क्लस्टर्स में ऑटोमेटिकली क्लस्टर कर देगा। जैसे एशिया कप की सारी न्यूज एक साथ आ गई, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच एशिया कप में हो रहा था, एक पुरानी प्रेजेंटेशन को मैंने चेंज किया है, तो ये तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी प्रेजेंटेशन न्यूज है, तो एशिया कप में जो पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हो रहा था उसके लिए अलहदा हुआ कर दिया, एशिया कप में जब इंडिया हांगकांग का जो मैच हुआ उसकी न्यूज उसने अलहदा क्लस्टर कर दिया, तो ये काम ऑटोमेटिक हो रहा है। मैं मेरे डाउनलोड फोल्डर में बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई है, मैं चाहूँ या मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई है, मैं कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहूँ कि वो उनके क्लस्टर्स बना दे कि एनएलपी के मुताबिक चीजें एक तरफ हो जाएं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के मुताबिक चीजें एक तरफ हो जाएं, कोई थीसिस पे काम कर रहा है तो उसके थीसिस के मुताबिक चीजें एक तरफ हो जाएं, तो वो इस तरह के क्लस्टरिंग ऑटोमेटिकली हो सकती है, तो आपके पास हजारों डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हार्ड डिस्क पर, तो आप उसे क्लस्टर कर सकते हैं, और इस केस में लाखों डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर पड़े हुए और वो उसके लॉजिकल क्लस्टर बना देता है कि ये रिलेटेड स्टोरीज है, तो एक एप्लीकेशन ये है। तो ये चार बड़ी एप्लीकेशन हैं, टेक्स्ट माइनिंग वगैरह, और हमें अब आगे जाके ये देखना है कि ये बनते किस तरह से, ये एप्लीकेशन अगर हमें बनानी है तो इनके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या स्किल्स आने चाहिए। तो नाउ कोर्स डिटेल पे आ जाते हैं। कोर्स डिटेल बुक जो है, जी बुक का वेब लिंक यह है स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग थर्ड एडिशन ड्राफ्ट एडिशन, और जो मैं कह रहा हूं वो एनएलपी इस वक्त इतना ज्यादा चेंज हो रही है कि इस बुक का ये ड्राफ्ट एडिशन तकरीबन पिछले 6 साल से चल रहा है। सेकेंड एडिशन मार्केट में आया था तकरीबन 12 साल पहले, और उसके बाद इसने थर्ड एडिशन लिखना शुरू किया, लेकिन जो वो चैप्टर लिखता है वो पुराना हो जाता है। पहले लिंग्विस्टिक एनालिसिस से सिंपल मशीन लर्निंग पे आए, फिर सिंपल मशीन लर्निंग से डीप लर्निंग पे आए, डीप लर्निंग में अभी हम देखेंगे पहले आरएनएन पे थे, फिर ट्रांसफॉर्मर्स पे आ गए, तो ये बुक कभी कंप्लीट नहीं हो पा रही, क्योंकि जब ये बुक कंप्लीट होती है तो इसके कोर्स इसके बहुत सारे चैप्टर्स आउटडेटेड हो जाते हैं और वो लिखना दोबारा से शुरू कर देता है, तो ये तकरीबन 6-7 साल से ये इसी तरह से लिखी जा रही है। तो इसमें से मैं आपको रेफर करता जाऊंगा कि ये चैप्टर्स रिलेटेड हैं, या ऑनलाइन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर अभी तक कोई चैप्टर लिखा नहीं गया होगा किसी टेक्स्ट बुक में, तो उनके रिसर्च पेपर्स या कोई ब्लॉग उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है वो डील करेंगे। जनरली कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल 40 मार्क्स का, मिड टर्म 20 मार्क्स के, क्विज 10 मार्क्स के, ये नॉमिनल है, बाकी असाइनमेंट और असाइनमेंट प्रोग्रामिंग असाइनमेंट होंगे ये 10 मार्क्स के होंगे, और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होगा। प्रोजेक्ट पर अभी मैं कोर्स डिटेल पे आ जाऊं, तो मैं दोबारा से आता हूं, तो आपको प्रोग्रामिंग के तकरीबन 30 मार्क्स हैं, तो इस कोर्स में प्रोग्रामिंग करनी होगी असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स मिलाकर 30 मार्क्स प्रोजेक्ट्स में, और आजकल क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही ज्यादा हो गई। द कोर्स आउटलाइन फॉल 2018 में मैंने पढ़ाया था, तो ये कोर्स आउटलाइन थी,
लेकिन 2018 से 2020 में ही इंफोसिस में अच्छा खासा चेंज आ गया। तो आप जब खाली बैठे होंगे तो इसको कंपेयर करके देख लीजिएगा, अक्सर जगह पे ये वाली कोर्स ऑफलाइन पढ़ाई जाती है। और अगर आप वैसे भी देखें तो इसकी अगर बुक मैंने बताया था इसका सेकेंड एडिशन देखें तो वो भी इसी तरह का होगा, लेकिन अगर आप थर्ड एडिशन देखें तो वो इससे मिलता जुलता होगा। और ये कोर्स ऑफलाइन है, कोर्स ऑफलाइन में क्या चीज़ें हैं कि आज की इंट्रोडक्शन आज मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एनएलपी में क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ताकि आपको एक फ्लेवर मिल जाए कि आपको पूरे सेमेस्टर क्या पढ़ना है। तो हर एक की छोटी छोटी एग्जाम्पल होगी। उसके बाद टू और थ्री जो है वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस है। हिस्टोरिकली इसी पे काम होता था, तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस सारा दो लेक्चर में आ जाएगा। फिर मशीन लर्निंग, क्लासिकल मशीन लर्निंग सपोर्ट वेक्टर मशीन के थ्रू, नाइव बेस के थ्रू, डिसीजन ट्री के थ्रू, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो तीन लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे हम। इसमें टेक्स्ट माइनिंग का इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिर आज के दौर में डीप लर्निंग सोल्यूशन बहुत ज्यादा है, और ये क्यों रेलेवेंट है अभी जब मैं 75% ऑफ लेक्चर आज के पहुंचूंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डीप लर्निंग पे ज्यादा टाइम हम दे रहे हैं कि डीप लर्निंग के एप्लीकेशंस क्या है। और उसके बाद भी जो 13, 14, 15 है इनको ये ऊपर वाले किसी के साथ ही होना चाहिए था। तो अगर आप एनएलपी पढ़ रहे हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इसे मैं लेट इसलिए कर रहा हूँ कि टोकनाइजेशन एंड मॉर्फोलॉजी नंबर 2 पे भी हो सकता है, सेमेंटिक्स नंबर 5 पे भी, नंबर 4 पे भी हो सकती है, लैंग्वेज मॉडल जो है वो नंबर 6 पे भी हो सकता है। लेकिन मैं इसे लेट इसलिए कह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाने में काम में नहीं आएंगे। मेरा इरादा है कि आप लोग जल्दी से मशीन लर्निंग पढ़ लें ताकि आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें, प्रोजेक्ट के मुताबिक शुरू कर दें, और इससे नॉर्मली प्रोजेक्ट्स नहीं बनते। तो इस वजह से इन्हें फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीशन आखिर में कि आपने एनएलपी का कोर्स पढ़ा है तो ये वाली फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए, आखिर में पढ़ा दी जाएगी। और इसी तरह से 16 वाले में मिसलेनियस अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक रह गया है तो वो डील हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि हमें प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना होगा। अगर डीप लर्निंग को बिल्कुल 16 वीक में ख़त्म कर रहे होते तो फिर प्रोजेक्ट में उसे अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो कोर्स डिटेल्स ये हो गई। अच्छा, रफली मैं प्रोजेक्ट के मुतालिक बता दूं कि प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा कि सिंपली फॉर एग्जांपल गूगल न्यूज वाली बात थी, वैसे वो नहीं हो सकता, आपका सेंटिमेंट एनालिसिस की बात आप कर लेंगे। सेंटिमेंट एनालिसिस का आपने एक सिस्टम बनाना है, सेंटिमेंट एनालिसिस का प्रोडक्ट रिव्यूज है, ये एक रिव्यू है, उसे यूजर ने पॉजिटिव, एक यूजर ने पॉजिटिव रिव्यू दिया, दूसरे यूजर ने नेगेटिव रिव्यू दिया, तो हमें देख के बताना है कि ये रिव्यू जो नया आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो रिव्यूज को क्लासिफाई करना है कि अगर उसने तारीफ की है तो वो पॉजिटिव रिव्यू है, अगर उसने तनकीद की है तो वो नेगेटिव रिव्यू है। इसको पहले मशीन लर्निंग के थ्रू बना दें, प्रोजेक्ट का एक पार्ट ये होगा, और दूसरा फिर यह है कि किसी डीप लर्निंग मॉडल के थ्रू बना दें, प्रोजेक्ट का दूसरा पार्ट ये होगा, और फिर दोनों के रिजल्ट्स को हम कंपेयर कर लेंगे। तो हम 5th वीक से ही डिस्कस करना शुरू कर लेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होगा, आप किस किस प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, एक उसके क्लासिकल मेथड से और फिर एक उसके डीप लर्निंग मेथड से, दोनों चीज़ें डील कर लें। और फिर आपके पास टाइम होगा कि आखिरी 15th वीक तक आप प्रोजेक्ट बनाते चले जाएं। तो ये कोर्स डिटेल है। हाँ, डीप लर्निंग पहले नहीं पढ़ी हुई, अच्छा सवाल है। इस कोर्स में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रीरिक्विजिट नहीं है, आपको ये बताया जाएगा जस्ट एज अ ब्लैक बॉक्सेस। आपको ये बता दूंगा कि ये कंपोनेंट है, इसको ये इनपुट देते हैं और ये इस तरह से आउटपुट देता है। डीप लर्निंग वैसे जब पढ़ते हैं तो आप वो पढ़ते हैं कि न्यूरॉन की इक्वेशन क्या होती है, एक न्यूरॉन सिंगल न्यूरॉन की बैक एरर की इक्वेशन क्या होती है, बैक प्रोपेगेशन का फार्मूला क्या होता है, तो ये सारी मैथमेटिक्स, ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ये सारी मैथमेटिक्स डीप लर्निंग के कोर्स में आप पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। यहाँ बस आपको एक कंपोनेंट मिलेगा कि ये एक आरएनएन है या एक ये एक ट्रांसफॉर्मर है, इसे मैं इस तरह का इनपुट दूंगा तो ये इस तरह का आउटपुट देगा। उसके अंदर क्या हो रहा है वो समझना आपको लो लेवल पे जाके जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल ये हाई लेवल वाली बात हो रही होगी कि आप कंपोनेंट्स
यूज कर रहे होंगे उस कंपोनेंट के अंदर की बात नहीं डील कर रहे हैं। और मशीन लर्निंग के कोर्स में और डीप लर्निंग के कोर्स में हम मैथमेटिक्स उसकी पढ़ रहे होते हैं कि उसकी मैथमेटिक्स क्या है। अगर आपको पेपर पे सॉल्व करने को दे दिया जाए तो आप उसे पेपर पे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वो डेवलप करने को आपसे कहा जाए कि लाइब्रेरी यूज नहीं करेंगे, एक आपको न्यूरल नेटवर्क खुद से बनाना है, तो आप क्या वो उसको कोड खुद से कर सकते हैं, उसके सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले खुद से आपको पता है या नहीं पता, यहाँ वो नहीं है। यहाँ पे बस जस्ट आपको कुछ कंपोनेंट्स हैं वो यूज करने हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कंपोनेंट्स यूज करने हैं। और आजकल ये कंपोनेंट्स बहुत यूज हो रहे हैं। मेरा फेवरेट जो, अगर मेरी जाती फेवरेट समझे तो पॉइंट टू और थ्री जो है वो मेरा फेवरेट है। मुझे मजा ज्यादा आया कि मैं इसी को पूरा सेमेस्टर पढ़ाऊँ। लेकिन इस वक्त मार्केट में बनी बनाई प्रोडक्ट्स तेजी से प्रोडक्ट्स बनानी है, और तेजी से प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कुछ डीप लर्निंग सिस्टम्स बने हुए मिल रहे हैं जो अभी आखिरी स्लाइड्स में एक्सप्लेन होंगे, जिन्हें आप मॉडिफाई करके माइनर मॉडिफिकेशन के साथ यूज कर सकते हैं। इसलिए इन्हें जानना ज्यादा जरूरी है कि आप हफ्ते भर में या महीने भर में कोई छोटी मोटी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हो, इसमें एक वो ट्रेड ऑफ है कि आप थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा गेन कर रहे हैं या उसकी इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज ज्यादा गेन कर रहे हैं। अगर थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा किसी को डिस्कस करना हो तो मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँगा, एक एक्स्ट्रा दिन रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल थर्सडे को अगर किसी को कोई एक्स्ट्रा चीज डिस्कस करनी हो थ्योरी के मुतालिक, तो वो मजीद डिस्कस कर लें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूर, इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे या क्या क्या टेक्निक्स होती हैं? जनरली अभी मैंने जो पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की दो बड़ी टेक्निक्स हैं, लिंग्विस्टिक एनालिसिस या जिसे शैलो प्रोसेसिंग भी कहते हैं, उसमें लैंग्वेज का एनालिसिस होता है जिस तरह से ग्रामर की बुक में होता था कि ये वर्ड है, ये वर्ड नाउन है, ये वर्ड वर्ब है। अच्छा, फिर सेंटेंस एनालाइज हो रहा है तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो उसके लैंग्वेज बेस पे एनालिसिस होता है। आगे की एक स्लाइड में इसकी डिटेल आ जाएगी। मशीन लर्निंग अप्रोच में हम उसको बाज दफा इतना डिटेल में एनालिसिस नहीं कर रहे होते, बल्कि बैग ऑफ वर्ड देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट्स पड़ी हुई हैं और इससे ये रिजल्ट आ जाएगा। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस 15 साल पहले इस्तेमाल होता था। 15 साल पुरानी बुक देखें जुरेस्की की, अगर आप फर्स्ट एडिशन देखें तो उसमें आपको लिंग्विस्टिक एनालिसिस ही मिलेगा पूरी बुक में। लेकिन आज के दौर में मशीन लर्निंग ने ज्यादा फायदा दे दिया है, और कुछ केसेस में आपको हाइब्रिड अप्रोचेस भी यूज करनी पड़ती है। तो पहले लिंग्विस्टिक एनालिसिस की एग्जाम्पल, वो लिंग्विस्टिक एनालिसिस का मकसद क्या है? अगर आपको एक सेंटेंस मिला, गुड प्रोग्रामर्स आर कोडिंग इन पाइथन, तो अब इस सेंटेंस का लिंग्विस्टिक एनालिसिस कैसा होगा? तो पहले तो इसका एक वर्ड ले लें, कोडिंग आपके पास आ गया। ये वर्ड जो कोडिंग है, पहले लेवल पे इसकी टोकनाइजेशन होगी कि इसमें टोकन कोडिंग, यानी इसमें जो इसमें कितने टोकन हैं, इसमें गुड प्रोग्रामर 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 60 टोकन हैं, 6 वर्ड्स हैं और 1 फुल स्टॉप है। तो ये मिलकर इसमें 60 टोकन हो गए, एक ये टोकनाइजेशन कहलाता है। अच्छा, इसमें से जो एक कोड टोकन है वो कोडिंग है। अब इस कोडिंग के बारे में, वर्ड कोडिंग का लेमा या इसका रूट वर्ड कोड है, यानी कोड से कोडेड भी बन सकता है, कोड से कोडिंग भी बन सकता है, तो इसका रूट वर्ड कोड है। तो लिंग्विस्टिक एनालिसिस में हम वर्ड देखते हैं कि वर्ड क्या है, और वर्ड को टोकन एक खास वजह से कह रहे हैं, अगली स्लाइड में एक्सप्लेन हो जाएगा। और फिर उसकी रूट वर्ड क्या है? अच्छा, रूट वर्ड के लिए हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं कि हमने लिख दिया कि कोडिंग, कोडेड, कोड्स, इन सब के रूट वर्ड कोड होता है। तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं, या फिर हम स्टेमिंग कर दें कि किसी भी वर्ड के आखिर में आईएनजी आ रहा हो तो उस आईएनजी को स्ट्रिप कर दो तो उसका रूट वर्ड बन जाएगा। तो ये स्टेमिंग कहलाती है। तो बाद दफा ये स्टेमिंग भी इस्तेमाल करते हैं और ये अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आप इसकी पार्ट ऑफ स्पीच बताएं तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, ज्यादा बताएं तो वर्ब। जी सर, ये टोकन कौन सा वर्ड होगा? कोई पर्टिकुलर वर्ड है या हम रैंडमली हम किसी को भी हम टोकन बना सकते हैं?
अभी आप एक तो स्लाइड्स देख लें, इस पे चार पांच स्लाइड्स आएंगी, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम वर्ड टू नहीं कह रहे और टोकन क्यों कह रहे हैं, उसकी क्या वजह है। तो ये मैं अगली स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा यानी मैं आपको पूरे कोर्स की समरी दे रहा हूँ, और वो तो बात चीजें मैं ये कहूंगा कि अगली स्लाइड में या अगले लेक्चर तक जाएंगी। तो टोकन तो अगली स्लाइड में आ रहा है, टोकन जिसे हम टोकन क्यों कह रहे हैं और वर्ड क्यों नहीं कह रहे। तो ये जो भी चीज है इसे आप अगर दो मिनट के लिए वर्ड भी कह लें, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसकी वर्ड फॉर्म, इसमें प्रोग्रेसिव वर्ड फॉर्म होती है, कोडिंग में कोडेड होता तो उसमें पास्ट फॉर्म यूज होनी होती, फिर इसका सेंटेक्स एनालिसिस, वर्ड कोडिंग है, कोडिंग का अगर आप देखें तो कोडिंग वीवीजी इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्ब इन जेरेंडिव फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, वर्ड इन आईएनजी फॉर्म, और इसका एंड सब्जेक्ट जा रहा है प्रोग्रामर पर, यानी कोडिंग का सब्जेक्ट प्रोग्रामर है और उसके बाद नाउन मॉडिफायर इसका पाइथन है। तो ये इंफॉर्मेशन, अच्छा प्रोग्रामर का ए मॉड का मतलब एडजेक्टिव एडजेक्टाइवल मॉडिफायर, तो इसका एडजेक्टिव मॉडिफायर गुड है, तो ये इंफॉर्मेशन फिर सेंटेक्स एनालिसिस में जाती है। तो ये लिंग्विस्टिक एनालिसिस है, और इसमें से हर लाइन जो मैंने बताई है, इस पर एक या दो लेक्चर्स हो सकते हैं कि ये किस तरह से डील कर रहे हैं, इसको मैं कोशिश करूंगा कि दो लेक्चर्स में ये चारों पांचों चीजें जल्दी से एक्सप्लेन हो जाए। टोकन वाली बात आपने की, ये टोकनाइजेशन का मकसद क्या है, टोकनाइजेशन का मकसद अगर आप ये देखें तो मेरे पास वर्ड्स एक सेंटेंस आया, मैं कह रहा हूँ इसे वर्ड्स में तकसीम कर दें, तो टोकनाइजेशन रफली स्पीकिंग उसे वर्ड्स में डिवाइड करना है। तो आई रीड द बुक आया तो इसके चार टोकन बन गए, आई रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ इसके भी चार टोकन बन गए, तो ये सिंपल सा आइडिया हो गया। वो सवाल रहता है आपका कि टोकन इसे क्यों कह रहे हैं, वर्ड क्यों नहीं कह रहे, तो अब इसका लेकिन ये सिंपल यहां तो नजर आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये तीन मसले हैं इसके साथ, एक सेगमेंटेशन, मल्टीवर्ड्स और नॉर्मलाइजेशन। कि सेगमेंटेशन का मकसद तो यह है कि इंग्लिश और उर्दू में की जो दो एग्जांपल्स हैं वो तो आपको सीधी नजर आ रही है, नीचे देखें थाई और खमेर लैंग्वेज है जो ये फार ईस्ट में बोली जाती है, थाईलैंड के आसपास वाले मुल्कों में, तो इनमें अगर आप देखेंगे मैं किताब पढ़ता हूँ कि ट्रांसलेशन है, और चाइनीज आप भी आप मिला लें तो चाइनीज लैंग्वेज भी ऐसी, इसमें स्पेस नहीं होता, आप पूरे पूरे सेंटेंसेस और पूरे पूरे पैराग्राफ्स विदाउट स्पेस लिखते जाते हैं। तो पहला काम ये ऐसा होता है कि उसमें से वर्ड्स आइडेंटिफाई, आपको लॉजिकल यूनिट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, कि पहले तीन कैरेक्टर मिलके मैं की बात कर रहे हैं, दूसरे दो कैरेक्टर मिलके किताब की बात कर रहे हैं। तो ये सेगमेंटेशन प्रॉब्लम कहता है कि बाज दफा आपके पास वर्ड्स के दरमियान में स्पेस नहीं होता। इंग्लिश उर्दू में आमतौर पर ऐसा लगता है, इनके अपने मसले हैं, कि आपको वर्ड्स स्पेस पे तोड़ दें, आप बस स्प्लिट कर दें स्पेस पर, तो आपको डिफरेंट वर्ड्स मिल जाएंगे जिसे हम टोकन कह रहे हैं। बहुत सारी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता, चाइनीज में ऐसा नहीं होता, तो पहले हमें पैराग्राफ्स में से वर्ड्स निकालने होते हैं, और फिर वर्ड्स पे पिछले वाली स्लाइड में जो सारी चीजें बताई थी स्टेप्स, वो सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो एक सेगमेंटेशन प्रॉब्लम होती है, और हम देखेंगे ये किस तरह से सॉल्व करना है। उर्दू में ये भी मसला है कि अगर आप आखिरी सेंटेंस देखें, कबूतर उड़ रहा है, इसमें कितने टोकन्स हैं, जो कबूतर उड़ रहा है, तीन चार हाँ, मेरे और आपके लिए चार वर्ड्स हैं, वर्ड और टोकन्स है हमारे लिए, तो चार टोकन्स हैं। कंप्यूटर पे आप जाएंगे तो कंप्यूटर से एक टोकन एक वर्ड कहेगा, क्योंकि कंप्यूटर स्पेस पे तो होता है, तो रे और अनिश के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, रे और रे के दरमियान में कोई स्पेस नहीं है, तो कंप्यूटर के लिए ये सिंगल वर्ड है। और उर्दू को भी प्रोसेस करने में असल मसला ये होता है कि कुछ वर्ड्स ज्वाइन नहीं हो रहे होते, वो जो ज्वाइन नहीं हो रहे होते तो रे और रे के दर को स्पेस के बगैर भी लिखें तो ये दोनों अलग अलग लिखे जाएंगे, हम ह्यूमंस पढ़ लेंगे, कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। तो उर्दू को प्रोसेस करते हुए भी, या अरबिक स्क्रिप्ट में लिखी हुई लैंग्वेज को प्रोसेस करते हुए भी, आपको एक सेगमेंटेशन सिस्टम चलाना पड़ता है, जो इस तरह के एरर्स को कि कबूतर रे पे खत्म हो गया, उड़ रे पे खत्म हो गया, रहा अलिफ पे खत्म हो गया, ये वाला सिस्टम बनाना पड़ता है।
तो ये पॉसिबल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे काम हो गए हैं, लेकिन अभी भी काम चल रहा होता है कि ऐसा सिस्टम बनाए जो इसे इसके सेगमेंट्स में तोड़ दे। तो ये सेगमेंटेशन प्रॉब्लम है जो लैंग्वेजेस में है, चाइनीज और उस तरह की फार ईस्ट वाली लैंग्वेजेस में भी है, अरबिक स्क्रिप्ट वाली लैंग्वेजेस जो है उनमें भी है। इन दोनों लैंग्वेजेस में ये प्रॉब्लम में ये होता है, इनके लिखे हुए स्क्रिप्ट में ये प्रॉब्लम होता है। अच्छा, सेगमेंटेशन का अपोजिट जो है वो मल्टी वर्ड्स है। सेगमेंटेशन क्या है कि बहुत सारे विदाउट स्पेस बहुत सारी चीजें लिखी हुई है और हमें जो है ना उनको डिफरेंट वर्ड्स में तोड़ना है। हम कह रहे हैं कि विदाउट स्पेस तो लिखा हुआ है लेकिन लॉजिकली कबूतर उड़ रहा है में चार वर्ड्स हैं, या ये थायो खमेर में जो भी लिखा हुआ है इसमें तीन चार या पांच वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स लैंग्वेज में बनेंगे वो है। इसकी अपोजिट एग्जाम्पल ये होती है कि न्यूयॉर्क क्या एक वर्ड है या दो वर्ड है, इस्लामाबाद एक वर्ड है या दो वर्ड है, क्योंकि इस्लाम स्पेस आबाद लिखेंगे, इस्लाम के बाद अगर आप स्पेस नहीं लिखेंगे तो मीम और अलिफ मद जुड़ जाएगा, तरक्की के बाद अगर आप स्पेस नहीं लिखेंगे तो ये और पे जुड़ जाएगा। तो न्यूयॉर्क, बिल गेट्स, इस्लामाबाद, वजीर आजम, ये सब एक वर्ड हैं या दो वर्ड्स हैं। अगर सिंपलेस्ट अल्गोरिथम हम इस्तेमाल करते हैं तो वो न्यू को अलग कर देगा, डॉट को अलग कर देगा, इस्लाम को अलग कर देगा, आबाद को अलग कर देगा। हमारे टोकनाइजेशन, इसीलिए वर्ड टोकनाइजर इस्तेमाल होता है कि ये सिर्फ वर्ड्स में स्प्लिट नहीं कर रहा, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेसिंग कर रहा होता है, और ये जिस चीज में डिवाइड करेगा वो वर्ड से बड़ी भी हो सकती है और वर्ड से छोटी भी हो सकती है। तो वर्ड से छोटी भी हो सकती है, उसकी एग्जांपल आज नहीं है, जब हम डीप लर्निंग पढ़ रहे होंगे या मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे जब आएगा। तो टोकनाइजेशन का मतलब है कि लॉजिकल यूनिट्स में तोड़ना। तो मल्टी वर्ड्स ये है कि आपको न्यूयॉर्क को जोड़कर उसके एक सिंगल टोकन जनरेट करना है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को जोड़कर आपको चार वर्ड्स को जोड़कर उसका एक सिंगल टोकन जनरेट करना है। तो ये मल्टी वर्ड प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये भी हमारे टास्क में से है कि मल्टी वर्ड्स को एज अ सिंगल वर्ड किस तरह से कंसीडर किया जाएगा। और फिर इश्यूज टोकनाइजेशन के, ये मतलब सेगमेंटेशन और मल्टी वर्ड जैसे इश्यूज तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि सी ओ एल ओ आर कलर लिखा हुआ है और सी ओ एल ओ यू आर कलर लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक हैं या अलग हैं? सर्च, मैंने सर्च इंजन बनाने जा रहा हूं और किसी ने कहा कि सर्च करो सी ओ एल ओ आर, तो उसके वो वाले वेब पेजेस रिजल्ट में आने चाहिए जिसमें सी ओ एल ओ यू आर लिखा हुआ है, ये नहीं आने चाहिए। तो ये नॉर्मलाइजेशन करना एनएलपी का टास्क होता है कि कौन से टोकन्स इक्विवेलेंट है और कौन से टोकन्स इक्विवेलेंट नहीं है। पहले तो ये होता था इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश के फर्क 40-50 वर्ड्स होते थे। सोशल मीडिया के आने के बाद से आप जो सेकंड और थर्ड एग्जांपल आप देख लें, कूल नॉर्मल तरीके से भी लिखा जाता है और दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, बिफोर शॉर्ट में बी पी और फोर भी लिखा जाता है। ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ये मेरे सिस्टम को समझना चाहिए। तो ये भी टोकनाइजेशन का ही काम होता है कि बहुत सारे टोकन को नॉर्मलाइज कर दे, यानी बी करेक्टर बी और डिजिट फोर लिखा हुआ है तो उसे कन्वर्ट बैक एंड पे कन्वर्ट कर दे बिफोर में, कूल में से एक्स्ट्रा और माइनस करके उसे नॉर्मल कूल के बराबर ले आए, जिस तरह कलर को वो कलर में कन्वर्ट कर दे। तो ये टोकनाइजेशन के इश्यूज हैं। उर्दू में खूबसूरत विदाउट स्पेस भी लिखा जाता है, विद स्पेस भी लिखा जाता है। ये जो पांचों चीजें हैं, ये पांचों चीजें माजिद लिखी हुई है लेकिन डिफरेंट स्क्रिप्ट में। माजिद, अगर जो लोग जिन लोगों ने इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों से आए थे, जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क हैं वो माजिद को इस तरह से लिखते हैं, एम डबल ए जे आई डी माजिद। अगर आप ट्रांसलिट्रेट करना चाहें कि ये मजिद है या माजिद है तो इसलिए, तो आप इस तरह से लिखेंगे एम ए सी आई टी। अगर आप टर्किश में माजिद लिखें तो आपको एम ए सी आई टी लिखना होगा। अगर आप किसी आई थिंक इजिप्ट में जाएंगे या सऊदी अरब में जाएंगे तो एम ए जे ई डी भी माजिद लिखा हुआ होगा। तो एक ही चीज को, एक ही नाम है जिसे रोमन स्क्रिप्ट में ही चार डिफरेंट तरीके से लिखा जा रहा है। तो ये भी एक नॉर्मलाइजेशन टास्क है कि इन चारों को एक सिंगल चीज पे मैप होना चाहिए। तो सर्चिंग या भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि आपका एग्जैक्ट वर्ड को नहीं सर्च करना बल्कि उसके नॉर्मलाइज कंपोनेंट को सर्च करना है।
और इससे आगे एक और चीज भी आ जाती है कि अगर कलर लिखा हुआ है तो कलरलेस उसके साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, खूबसूरत लिखा हुआ है तो क्या हसीन वाले रिजल्ट आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, वो तो फिर सेमेंटिक्स पे चली जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ राइटिंग स्क्रिप्ट में भी देखें तो नॉर्मलाइजेशन इश्यूज आते हैं, फिर खूबसूरत और हसीन दोनों को, खूबसूरत के जो आपने क्यूरी किया तो जवाब में हसीन वाले आंसर आने चाहिए नहीं आने चाहिए, वो फिर सेमेंटिक नॉर्मलाइजेशन में चली जाती है। तो ये टास्क है और ये प्रैक्टिकली अगर आप आज गूगल में कोई सर्च करें तो वो सेमेंटिक इक्विवेलेंट लेकर आता है और ये इस तरह से स्पेलिंग करेक्शन भी वो ऑटोमेटिकली कर देता है। गूगल सर्च इंजन में आप बॉक्स में गलत स्पेलिंग टाइप करें तो वो सही कर और करेक्ट कर देता है। खूबसूरत अगर आप सर्च करेंगे तो शायद हसीन आपको वाले रिजल्ट में मिल जाए। अक्सर शहरों में होता है आप कराची सर्च करें तो लाहौर वाला रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, फिर ये टोकनाइजेशन एक बात हो गई, तो टोकनाइजेशन वाले सवाल का जवाब शायद मिल गया हो कि टोकनाइजेशन में हम सिर्फ वर्ड्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे होते, उसके अलावा भी बहुत काम कर रहे होते हैं। तो वर्ड में इसलिए हम इसे वर्ड नहीं कह रहे होते, आगे जाके टोकनाइजेशन इन शॉर्ट हम एक मुख्तलिफ सेट ऑफ वर्ड्स को उसका ग्रुप फाइंड करने के लिए या उसे एक स्पेसिफिक नेचर से डिफाइन करने के लिए हम एक वर्ड या एक सिंबल डिसाइड कर लेते हैं जिसे हम टोकनाइजेशन कहते हैं। नहीं, टोकनाइजेशन का मकसद यह है कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट मैं जो एनएलपी सिस्टम बनाने जा रहा हूं उसमें मेरा स्मॉलेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट ये होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्ड ही होगा। लेकिन जैसे मैं मॉर्फोलॉजी में आ जाए, पहली एग्जाम्पल है डीनेशनलाइजेशन। अब इसमें लॉजिकल एक वर्ड है, इसमें लॉजिकल यूनिट्स कितने हैं, इसमें नेशन रूट है एक तरह का, उसके साथ एल लग गया तो नेशनल बन गया, फिर नेशनल के साथ आई जेड ई लग गया तो नेशनलाइज बन गया, उसके साथ शन लग गया तो नेशनलाइजेशन बन गया, और उसके साथ डी लग गया तो डीनेशनलाइजेशन बन गया। तो लॉजिकल इसके अंदर पांच यूनिट्स हैं, जिसे हम कहेंगे इसके अंदर पांच मॉर्फीम्स हैं। तो अब मॉडर्न सिस्टम्स में जो डीप लर्निंग वाले सिस्टम्स हैं वो अगर इसे सिस्टम में फीड करेंगे तो डी को अलहदा फीड करेंगे, नेशन को अलहदा फीड करेंगे, ए एल को अलहदा करेंगे, आई जेड ए को अलग करेंगे और शन को अलग करेंगे। तो ये भी टोकनाइजेशन होगी। तो हम कहेंगे डी एक टोकन है, नेशन दूसरा टोकन है, ए एल तीसरा टोकन है। तो बास केसेस में आपके पास वर्ड एज अ टोकन होगा, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट आप वर्ड को प्रोसेस कर रहे हो। बाद में आप उस वर्ड के भी अंदर उतर के देख रहे होंगे कि नहीं, इसके अंदर भी अलग अलग टोकन अलग अलग चीजें हैं जिसे हम मॉर्फीम कहते हैं। तो डीनेशनलाइजेशन में पांच मॉर्फीम है। चौथी एग्जांपल पे आप आ जाएं, लिखवाता, लिख एक टोकन हो गया, एक मॉर्फोलॉजिकल टोकन हो गया, वाद दूसरा मॉर्फोलॉजिकल टोकन हो गया, ता तीसरा मॉर्फोलॉजिकल टोकन हो गया। तो लिखवाता एक सिंगल वर्ड है जिसके अंदर तीन मॉर्फोलॉजिकल टोकन है। तो टोकन मैं और आप डिफाइन करेंगे कि अगर मेरा सिस्टम मॉर्फीम्स को एज अ यूनिट ले रहा है तो एक मॉर्फीम एक टोकन है, अगर वो वर्ड्स को एज अ यूनिट प्रोसेस कर रहा है तो वर्ड एक टोकन है। आगे जाके ये भी होगा कि बायग्राम्स बना देते हैं, दो दो वर्ड्स के ग्रुप बना देते हैं, तो उसमें वो दो वर्ड्स का एक ग्रुप मिलकर एक टोकन बनेगा। तो वो हम डिफाइन कर रहे हैं कि टोकन की डेफिनेशन क्या है। तो मॉर्फोलॉजी इसीलिए होती है कि वर्ड अकेला नहीं होता। पिछली एग्जाम्पल्स मैंने सिंपल दी थी, कलर एक सिंपल वर्ड है, लेकिन कलर के साथ अगर कलर्स हो जाए, इसके अंदर दो मॉर्फीम्स हैं, कलर और एस। कलर बता रहा है कि वो क्या चीज है और एस बता रहा है कि वो चीज प्लूरल है। तो मॉर्फोलॉजिकल के एनालिसिस है कि वर्ड के अंदर उतर के देखना है कि उसके अंदर और क्या लॉजिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं जिन्हें मॉर्फीम कहते हैं। और टोकन इसलिए एक जनरल टर्म बना दिया कि आप इनमें से किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर आप वर्ड की टर्म यूज करेंगे तो फिर आप मॉर्फीम को वर्ड नहीं कह सकते, आप AL को या TION को या D को वर्ड नहीं कह सकते। सर, लॉजिकल कंपोनेंट से मुराद ये है कि एनीथिंग व्हिच इज गिविंग मीनिंग और गिविंग सम इंफॉर्मेशन। जैसे कलर से कलर्स ना, तो S कोई मीनिंग दे रहा है बिल्कुल। तो इसमें मतलब वो है कि वो मीन ये बता रहा है कि जो भी चीज है ये उसका वो एक से ज्यादा है, वो प्लूरल है। ठीक, और तो ये फिर वो यानी मॉर्फीम क्या होता है, इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, वो एक अलग चीज है कि
कुछ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा होता है और कुछ किसी एंटिटी को बयान कर रहा होता है, लेकिन वो फिर लिंग्विस्टिक्स में चले जाएंगे। अच्छा, आपने फिर मॉर्फोलॉजी कर ली, एक एग्जांपल मैं स्किप कर रहा हूँ या चले, और इसकी जरूरत इंग्लिश। एक और बात है कि हम इंग्लिश से डिटोर करेंगे दूसरी लैंग्वेज पर, एनएलपी सिस्टम्स और कंप्यूटर नॉर्मली इंग्लिश में बना, तो इंग्लिश ग्रामर बहुत आसान ग्रामर है। डीनेशनलाइजेशन वाली प्रॉब्लम मुझे सोचनी पड़ी, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। नॉर्मली इंग्लिश में या तो वर्ड्स एक ही वर्ड होता है या वर्ड की एक दो तीन फॉर्म्स होती हैं, ज्यादा फॉर्म्स नहीं होती। दूसरी लैंग्वेजेस में आप जाए इंग्लिश के अलावा, तो ज्यादातर लैंग्वेज में वर्ड्स की ज्यादा फॉर्म होती हैं और वर्ड्स अलग-अलग नहीं मिलकर लिखे जाते हैं, तो हमें उसमें टोकन उनकी मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे ये जर्मन की एग्जाम्पल है, जर्मन में नाउन नाउन कंपाउंड जो है, इंग्लिश में होगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंप्लॉय, चार टोकन्स हैं, चार वर्ड्स हैं, चार टोकन्स हैं, और इनको मिलाकर हम एक सिंगल वर्ड भी बना सकते हैं। जर्मन में यही चीज आप बिगर स्पेस के लिखेंगे, नाउन नाउन जब भी आप लिखेंगे वो विदाउट स्पेस लिखेंगे, तो वहां पर आप सारी लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, एम्प्लॉय सबके लिए आप अलग-अलग तो डिक्शनरी में नहीं रह सकते, तो फिर उन्हें मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर बनाना पड़ता है जो लेबन को कह दे कि ये कलर है और दूसरे चीजों को कह दे कि वो कलर है। तो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस इंग्लिश में बहुत आसान होता है, इसीलिए इंग्लिश की किताबों में अक्सर जिक्र भी नहीं होता इसका, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में ज्यादा। अच्छा, दूसरी चीज फिर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग। आज का पूरा सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा कि मैं आपको आगे के जो 12 क्लासेस हैं उनमें क्या क्या पढ़ेंगे उसको दो दो स्लाइड्स में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ताकि आप लोग फैसला कर सकें कि इस कोर्स को पढ़ना है नहीं पढ़ना, इसके किस कंपोनेंट्स को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, प्रोजेक्ट्स किस कंपोनेंट में बनाना है, तो किसी एक के भी डेप्थ में नहीं उतर रहे। अभी सिर्फ हम एक तरह से प्रॉब्लम देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है और इसका इस तरह से सोल्यूशन आ जाता है, सोल्यूशन किस तरह से डिटेल में देख के आएंगे वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। अच्छा, अभी हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस में, जो पहली वाली लिंग्विस्टिक एनालिसिस की पहली स्लाइड में था कि हम टोकन्स बनाते हैं, उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद ये देखते हैं कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, इसकी में अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो तीसरा कॉलम ये बता रहा है, दूसरा कॉलम तो इनके रूट वर्ड बता रहा है, अच्छी का रूट वर्ड अच्छा है और किताबें का रूट वर्ड किताब है, तीसरा कॉलम आपको पार्ट ऑफ स्पीच बता रहा है कि हम प्रोनाउन है, अच्छी एडजेक्टिव है, किताबें नाउन है और पढ़ते वर्ब है एंड सो ऑन। चौथा कॉलम अभी थोड़ी देर के लिए इसके जो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग पढ़ रहे होंगे जब डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो लास्ट कॉलम है वो आपको इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बता रहा है कि हम जो है उसका नंबर प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, हम का पर्सन वन है। अच्छा, अच्छे जो है वो अच्छी जो है वो जेंडर फेमिनिन है और ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हुआ है। जो चीजें मुश्किल हैं वो मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एक प्रैक्टिकल ये एक सॉफ्टवेयर का आउटपुट है, पढ़ते जो है वो उसमें जेंडर मैस्कुलिन है, प्लूरल नंबर के साथ इस्तेमाल होता है और एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने मॉर्फोलॉजिकल इंफॉर्मेशन गेट कर ली, पार्ट ऑफ स्पीच इंफॉर्मेशन गेट कर ली, और ये एक लाइब्रेरी मौजूद है जिसे आप उर्दू का सेंटेंस इनपुट देंगे और वो आपको ये वाला स्ट्रक्चर आउटपुट दे देगा। तो नेक्स्ट क्लास से लिंग्विस्टिक एनालिसिस में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा और फिर आपको इन लाइब्रेरीज का यूज करना बताऊंगा कि आप ये लाइब्रेरी यूज करके ये आउटपुट कैसे गेट कर सकते हैं और उसे फिर किस तरह से यूज कर सकते हैं। हाँ जी, कुछ सवाल है सर? ये यूडी पाइप है सर जो आपने, ये यूडी पाइप, ये यूडी या तो ये यूडी पाइप का आउटपुट है या फिर ये स्टैनफोर्ड एनएलपी का आउटपुट है, दोनों काम एक ही करते हैं। ओके सर, यूडी पाइप या स्टैनफोर्ड एनएलपी, स्टैनफोर्ड एनएलपी भी यूडी पाइप के ही मॉडल या कम से कम यूडी पाइप का ही वो डेटा तो उसी का यूज कर रहा होता है, तो ये उन दोनों में से एक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो वर्ड की आपने पार्ट ऑफ स्पीच देख ली, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लिए, नेम्ड एंटिटीज पे आ जाते हैं कि हमें क्या इंटरेस्ट है। तो हमें इंटरेस्ट, अच्छा ये क्यों पढ़ रहे होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? अक्सर हम जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें हम एडजेक्टिव्स पे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं,
कौन कौन से एडजेक्टिव यूज हुए हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करके सारे एडजेक्टिव एनालाइज कर गेट कर लें और उस पर बात कर लें, जो एक अच्छा सिस्टम बन सकता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेम्ड एंटिटीज। सईद अजमल 14 अक्टूबर 1977 को फैसलाबाद में पैदा हुए, तो इसमें सईद अजमल इज अ पर्सन, तो आपको पहले तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग करनी होगी, तो वो प्रॉपर नाउन देगा कि सईद इज अ प्रॉपर नाउन, अजमल इज अ प्रॉपर नाउन, 14 इज अ नंबर, अक्टूबर इज अ प्रॉपर नाउन, 1997 इज अ नंबर एंड सो ऑन। ये तो बता देगा को इज अ पोजिशन और ये सो ऑन। उसके बाद फिर आपको इसमें से एंटिटीज बतानी है कि सईद और अजमल ये दोनों मिलकर एंटिटी पर्सन बना गए 14 अक्टूबर 1977 जो है, ये तीनों मिलकर एक डेट बना रहे हैं, डेट एंटिटीज। तो हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, उसके हिसाब से आपको बताना है कि इनमें कौन कौन सी एंटिटीज यूज होनी है। और फिर आगे जब आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम बनाने जा रहे हैं या क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है नेम्ड एंटिटीज। क्या आपने एक टेक्स्ट विकिपीडिया से एक आर्टिकल उठाया या कोई ब्लॉग आपने डाउनलोड किया और उसमें से पहले नेम्ड एंटिटीज निकालनी कि इसमें कौन कौन सी नेम्ड एंटिटीज मौजूद है, किन किन टॉपिक्स पे बात हो रही है, और फिर उन नेम्ड एंटिटीज पे आपने रिलेशन एक्सट्रैक्ट करने शुरू कर दिए। तो नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन हम थोड़ा सा देखेंगे भी कि इसका सिस्टम मशीन लर्निंग के थ्रू किस तरह से बनता है एंड सो ऑन। तो नेम्ड एंटिटीज आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें टोकनाइजेशन में एक और देख लें, 1977 और उसके बाद हमजा बना हुआ है, तो टोकनाइजेशन अक्सर एक ओपन क्वेश्चन होता है, इसीलिए मैं इसे हमेशा आखिर में रखता हूँ, वरना शायद आधा कोर्स यही खा जाए कि 1977 को अलहदा टोकन होना चाहिए और हमजा को अलहदा टोकन होना चाहिए, या 1977 और हमजा जो ईस्वी के लिए इस्तेमाल हुआ है उसे एक साथ होना चाहिए। तो इसमें अभी मैं वोटिंग कर रहा हूँ, तो आधी क्लास एक तरफ होगी, आधी क्लास एक तरफ होगी, इवन एनएलपी वाले भी आधे एक तरफ होते हैं, आधे एक तरफ होते हैं। डिफरेंट लाइब्रेरीज आप यूज करेंगे तो उसमें आपको डोंट जो है वो उसके डी ओ एन अपोस्ट्रॉफी और फिर टी जो है इसके कितने टोकन बन रहे हैं, एक टोकन बन रहा है या दो टोकन बन रहे हैं या तीन टोकन बन रहे हैं, इस पर बहस चलती रहती है, इसका कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं आता। अच्छा, फिर लिंग्विस्टिक एनालिसिस का एक तरह से आखिरी टॉपिक सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस में ब्रीफली आप देख लें कि जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर द बिग डॉग चेज द कैट, चेज जो है वो रूट सेंटेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो उसका रूट होता है वो वर्ब होता है, इस वर्ब डॉग जो है वो चेज का सब्जेक्ट है और कैट चेज का ऑब्जेक्ट है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें किसी ना किसी तरह से गेट करनी होती है, इसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना के इसका पास्ट ट्री बनाए जिस तरह से आप ऑटोमेटा थ्योरी में बनाते हैं, या मॉडर्न दौर में डिपेंडेंसी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जो हम देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है, तो आपको इसमें पता चल रहा है कौन सी चीज सब्जेक्ट है, कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है, कौन से नाउन के साथ कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन सिंटैक्टिकल एनालिसिस में आती है। अच्छा, इन सब के करने का फायदा क्या होता है कि एक एक करके हम पहले हमारे पास वर्ड्स आए, वर्ड्स के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आए, नेम्ड एंटिटीज आई, नेम्ड एंटिटी के बाद पता चला कि वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हम फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी डेटाबेस बना सकते हैं इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में कि हमने वर्ब रख दिया चेस, चेस का सब्जेक्ट था डॉग और उसका ऑब्जेक्ट था कैट, तो हमारे पास एक सिंपल सा रूल बन सकता है कि हमने एक साल के अखबार पढ़े और उसमें से देख लिया कि किसने किस को चेज किया, डॉग चेज द कैट, टाइगर चेज द गोट एंड सो ऑन, तो कौन सा जानवर किसको चेज करता है, ये वाली इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करके एक डेटाबेस में रख दी कि चेज वर्ड देखा उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी टेबल में स्टोर करने शुरू कर दी, तो इसके ऊपर जाके फिर इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड करके फिर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन सिस्टम बनने लगते हैं, इसलिए हम इस लेवल तक आ रहे होते हैं। उसके बाद फिर सेमेंटिक्स आ जाती है कि आपके पास वर्ड सेंसेस, जो मैंने पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि आपके पास अभी तो चेज वर्ड आया या कैट वर्ड आया या डॉग वर्ड आया, कैट अगर आप मेडिकल में जाएंगे तो कैट स्कैन की बात कर रहे होंगे वहां पर, तो वो उसका मतलब बिल्ली नहीं होगी, चेयर की आप बात कर रहे होंगे तो ये चेयर जिसमें मैं बैठा हूँ वो भी है और चेयर का मतलब वो भी है जो किसी
मीटिंग का हेड हो रहा होता है, जिस मीटिंग को प्रिसाइड कर रहा होता है वो भी चेयर होता है। अगर आप बुक की बात कर रहे होंगे तो किताब भी होगी और बुक का मतलब बुकिंग करने में जो बुक इस्तेमाल हो रहा है वो भी है। तो एक वर्ड की मल्टीपल सेंस होती हैं और हमें देखना होता है वो वर्ड किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। तो सेमेंटिक्स पे वर्ड्स को ये देखती है। पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग ने बता दिया है नाउन है, चेयर इज अ नाउन और बुक इज अ, या आप ये कह लेंगे बैंक इज अ नाउन या बैट इज अ नाउन, लेकिन फिर चेयर के कितने डिफरेंट मीनिंग्स हैं। बैंक अभी बैंक भी हो सकता है और बैंक जो है ना वो रिवर बैंक दरिया के किनारा वो भी बैंक हो सकता है। वो सेंसेस को डील करना फिर सेमेंटिक्स आता है। सेमेंटिक का मतलब उस वर्ड की आप मीनिंग देखें। मीनिंग देखने में एक आप देख रहे होते हैं कि कौन सी सेंस इस्तेमाल हुई है, तो आपको उस सेंस का आंसर लेकर आना है। फिर सेमेंटिक्स में सर ये सेमेंटिक्स जो है एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं तरीके से। सेमेंटिक्स का मतलब यह है कि वर्ड की इंटेंडेड मीनिंग क्या है और वर्ड की इंटेंडेड मीनिंग आमतौर पर कॉन्टेक्स्ट की वजह से ही आती है। तो अगर डेफिनेशन आप देखें तो सेमेंटिक्स इसकी होती है कि इंटेंडेड मीनिंग क्या है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के बगैर नहीं हो सकती। तो वो आप सही कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट से उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। यानी आप किसी को फेसबुक में देखेंगे तो आप उसे मीनिंग ही कहेगा। फिर भी है कि वर्ड क्लैरिटी कितनी है, कौन से वर्ड किससे सिमिलर है। और ये डीप लर्निंग में फॉर एग्जाम्पल सूरज जो है, आपने जो सूरज को देखा तो सूरज से सिमिलर वर्ड चांद भी है, सूरज का सिमिलर वर्ड आफ्ताब भी है। नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे इश्यूज हैं कि सूरज अगर मैं अगर सीन पे पेश लगा हुआ है तो वो भी सिमिलर है। तो मॉडर्न दौर में पिछले 5 साल में ये बहुत ज्यादा काम हुआ है कि वर्ड सेमेंटिक्स ऑटोमेटिकली सिस्टम लर्न कर देता है। बहुत सारा उसे डेटा प्रोवाइड कर दें तो वो ये देखेगा जिस कॉन्टेक्स्ट में सूरज इस्तेमाल हो रहा है उसी कॉन्टेक्स्ट में चांद भी इस्तेमाल हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आफ्ताब और तारे भी इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो ये सिमिलरिटी ऑटोमेटिकली फाइंड की जा सकती है और आपके प्रोजेक्ट्स का ये लाजमी हिस्सा होगा क्योंकि ये बड़े आराम से फाइंड कर ली जाती है और इसको यूज करते हुए आप सिस्टम बना सकते हैं। कुछ कह रहे थे? अच्छा, एक और चीज, आपके पास हमेशा दो ऑल्टरनेट सिस्टम चल रहे होंगे। ये मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया था क्योंकि मैं जल्दी करना चाहता हूँ। ये वर्ब नेट है जिसे एक यूनिवर्सिटी ने कई साल तक बैठकर हाथ से लिखा है कि चेयर नाउन के क्या क्या साइनोनिम होते हैं, इसका पेरेंट अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टर्म में बात करें तो इसकी पेरेंट क्लास क्या फर्नीचर है, इसकी चाइल्ड क्लासेस क्या है, जैसे रिवॉल्विंग चेयर इसकी चाइल्ड क्लास हो गई या व्हील चेयर इसकी चाइल्ड क्लास हो गई। तो ये हाइपोनिम और हाइपरनिम आप इसे पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास कह लें। ये वाली इंफॉर्मेशन किसी ने हाथ से बैठ के उर्दू इंग्लिश वर्डनेट बनाया, फिर हिंदी वर्डनेट बनाया, उर्दू वर्डनेट बनाया, तो ये हाथ से कई साल तक बैठ के लोगों ने बनाए हैं। दूसरा ये है कि ये मैं आपको किसी दिन जब पढ़ा रहा हूँ तो हम लैब में ये काम करेंगे कि आप इसे डेटा दे दें और उसके बाद ये सिस्टम जो 10 मिनट में या 5 मिनट में ऑटोमेटिकली खुद ट्रेन हो जाएगा कि उसे पता चल जाएगा कि सूरज से सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं और चांद के सिमिलर वर्ड कौन से हैं। तो डीप लर्निंग बहुत सारे ऐसे काम जो पहले हाथ से महीनों में या सालों में होते थे वो डीप लर्निंग में मिनटों में हो जाते हैं। इसलिए डीप लर्निंग की एप्लीकेशन जरूरी है। तो हम इसकी वो इक्वेशंस नहीं देखेंगे कि इक्वेशंस की जरा से ये आया, लेकिन उस टूल को यूज किस तरह से करते हैं वो जरूरी सीखेंगे। अच्छा, अब मशीन लर्निंग होती किस तरह से, लिंग्विस्टिक एनालिसिस को हमने पीछे छोड़ दिया, अब हम आ जाते हैं मशीन लर्निंग के दौर में। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग ये है कि आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए। ट्रेनिंग डेटा को आप प्रोवाइड करेंगे किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में, वो उससे एक मॉडल बना देगा और वो मॉडल जो है नॉर्मली अगला जो डाटा आएगा उसको फिर क्लासिफाई कर सकेगा कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक है, उसने अपने कस्टमर्स का डाटा दे दिया कि ये कस्टमर्स थे, इनमें से इस कस्टमर ने लोन वापस किया और उसने लोन वापस नहीं किया। तो उन डेटा को देखते हुए वो एक ऐसा सिस्टम बना देगा कि अगला जो कस्टमर आ रहा है उसके लोन वापस करने के चांसेस ज्यादा हैं या कम है।
लेकिन मशीन लर्निंग में फायदा ये होता है कि आपके पास डेटा कॉलम्स की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हमारे पास मसला यह है कि हमारे पास डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो दो काम का आपको करने पड़ते हैं, एक तो डेटा को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और फिर डेटा के दूसरा आपको ये बताना पड़ता है कि कौन सी चीज क्या है। ये डॉक्यूमेंट फॉर एग्जाम्पल आप अगर पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बता रहे होते हैं तो आपको मिलियंस ऑफ वर्ड्स में हर वर्ड के सामने जाकर लिखना पड़ता है कि ज़हीन एडजेक्टिव है, लड़कियां नाउन है, ने एडपोजिशन है, लड़कियां इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज हुआ है और किताबें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज हुआ, तो ये एनोटेशन कहलाता है। रॉ टेक्स्ट का मकसद जो सेंटेंस लिखा हुआ है ज़हीन लड़कियों ने अच्छी किताबें पढ़ी। एनोटेटेड टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इसके बाद वाले जितने भी कॉलम्स हैं उसमें हमने कोई ना कोई एनोटेशन कर दी है कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच ये है। अब पार्ट ऑफ स्पीच सिस्टम जो है ना वो लर्न कर लेगा कि कौन कौन से वर्ड एडजेक्टिव यूज हो रहे हैं, कौन कौन से वर्ड नाउन यूज हो रहे हैं। जैसे लड़कियां सब्जेक्ट है तो वो लर्न कर लेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज हो तो वो सब्जेक्ट होता है और किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज हो तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इस लर्निंग के लिए हमें मिलियंस ऑफ वर्ड्स एनोटेट करके कंप्यूटर को देने पड़ते हैं या मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एनोटेट करके देने पड़ते हैं। आपके पास बहुत सारे रिव्यूज मौजूद हैं तो आप रिव्यूज को हाथ से कहेंगे कि ये पॉजिटिव रिव्यू है, ये नेगेटिव रिव्यू है, ये पॉजिटिव रिव्यू है, और फिर सेंटिमेंट एनालिसिस सिस्टम को दे देंगे और वो लर्न कर लेगा सेंटिमेंट एनालाइजर के पॉजिटिव रिव्यू कैसे होते हैं और नेगेटिव रिव्यू कैसे होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको एनोटेशन करनी पड़ती है जिस पर अच्छा खासा टाइम खर्च होता है। डीप लर्निंग क्यों पॉपुलर हो रही है कि ये एनोटेशन का बहुत सारे सिस्टम्स में टाइम बचा रही है, जो आखिरी स्लाइड्स में हम देखेंगे, इस वजह से वो ज्यादा पॉपुलर हो रही है कि आप कम एनोटेशन से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छा, एक वर्ड एनोटेशन हो गया कि आपको बताना है कि कौन सा वर्ड क्या, कौन सी चीज क्या है, ये एनोटेशन हो गई। और कॉर्पस का मतलब है ह्यूज कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट। आप डॉन की वेबसाइट पे गए और आपने एक महीने का डॉन डाउनलोड कर लिया, वो एक कॉर्पस हो गया। आप किसी के ट्विटर हैंडल पे गए और उसकी एक महीने की ट्वीट डाउनलोड कर दी, एक साल की ट्वीट डाउनलोड कर दी, वो एक कॉर्पस हो गया। तो कॉर्पस इज द कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट जिसपे हमें फिर प्रोसेसिंग करनी होती है। सर एक क्विक क्वेश्चन यहाँ पे, अभी हमने ऊपर एनोटेशन से पहले सेंटेक्स पढ़ा था, तो सेंटेक्स में भी जो सेंटेंसेस थे उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो एनोटेशन में भी हम यही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। राइट, वो जो लिंग्विस्टिक एनालिसिस है, लिंग्विस्टिक एनालिसिस में जो मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में वर्डनेट के हवाले से कहा था कि कोई शख्स ऐसा होता था कि आज से 10 साल पहले जो सिस्टम बन रहे होते थे, एक शख्स होता जो बैठकर ये लिख रहा होता कि मेरी लैंग्वेज में ये 25,000 वर्ड्स इस्तेमाल होते रहते हैं। ज़हीन जो है वो एडजेक्टिव है, लड़कियां नाउन है, लड़की भी नाउन है, लड़कियों नाउन है, लड़के नाउन है, तो कोई जाके आप हाथ से ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा होता और वो 25,000, 50,000, 2,00,000 वर्ड्स उनसे बारे में इंफॉर्मेशन है डील कर रहा होता था। मशीन जब लिंग्विस्टिक सिस्टम चलते थे तो वो डिक्शनरी में जाकर देखते थे कि ज़हीन आ गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उस डिक्शनरी में सर्च करो, इसके सामने एडजेक्टिव लिखा हुआ तो एडजेक्टिव आउटपुट कर दो। लड़कियां आ गया तो उसके सामने डिक्शनरी में जाके सर्च करो, उसके सामने क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, तो ये नाउन हो गया। ये सारी चीजें हार्ड कोडेड पहले से लोग लिख रहे होते थे। अब जो मॉडर्न मशीन लर्निंग सिस्टम है वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा डाटा दें, और वैसे वो थोड़ा कितना होता है वो एक अलहदा बहस है, कि आपने कुछ डाटा को एनोटेट करके इस तरह से दे दिया, उसके बाद कोई एक नया लफ्ज आएगा जो इसकी डिक्शनरी तो होती नहीं, जो उसने कभी पहले कभी देखा ही नहीं है, उसके बावजूद अगर मोबाइल आ गया फॉर एग्जाम्पल या कोई और नॉर्मली प्रॉपर नाउन्स के साथ खासतौर पर होता है कि जिम्बाब्वे की टीम का एक खिलाड़ी आ गया या मराकश का किसी गांव का नाम आ गया जो हमने आज से पहले कभी नहीं सुना हो, तो वो एकदम से एक चीज आ गई, तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। तो वो कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उसने लर्न कर लिया है कि प्रॉपर नाउन इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होता है, एडजेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट में आ रहा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी पार्ट ऑफ स्पीच बता देता है। मशीन लर्निंग सिस्टम्स को चंद या एक साइजेबल एग्जाम्पल्स दे दी जाती हैं जिससे वो ट्रेनिंग मॉडल बना देता है, और उसके बाद अननोन एग्जाम्पल्स भी आए
अननोन एग्जांपल भी आए तो वो उसको सही क्लासिफाई कर देता है, इसलिए हम एनोटेशन कर रहे होते हैं और मॉडर्न सिस्टम इस तरह से बन रहे होते हैं। पुराने सिस्टम जो लिंग्विस्टिक एनालिसिस वाले सिस्टम में कोई बैठ के हाथ से लिख रहा होता था, तो जो जो चीजें उसने हाथ से लिख दी वो तो काफी है, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा। ये डिफरेंस था मतलब जो भी डेटा हमने मैन्युअली फीड करवाया है सिस्टम को या डेटाबेस में सेव किया है, दैट इज दैट प्रोसेस एनोटेशन। दैट नहीं, प्रोसेस एनोटेशन का मतलब ये है कि आपके पास, अगर मैम अगर आपके पास से पहला कॉलम होता, पहला तो 1 2 3 है ना, जहीन लड़कियां ने अच्छी किताबें पढ़ी थी, ये नॉर्मल ये रॉ टेक्स्ट है जो आप अगर वेब सर डाउनलोड करेंगे डेटा तो कहीं से, तो आपको ये मिलेगा। इसके बाद इसके बारे में जो मजीद इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग से एंटर कर रहे हैं वो एनोटेशन है। ये तो रॉ टेक्स्ट है जो आपको नेट से मिला है या किसी भी कॉर्पस से मिला है। उसके बाद आप इसमें आपने कह दिया ये पार्ट ऑफ स्पीच इसके एडजेक्टिव है, तो ये एनोटेशन हो गई। ये एडजेक्टिव मॉडिफायर है वर्ड नंबर 2 का, तो ये भी एक एनोटेशन हो गई। तो ये इसी तरह से सईद अजमल होता है, ये तो सईद अजमल जो है वो एक पर्सन है, ये भी एनोटेशन हो गई। तो जो इंफॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हैं वो एनोटेशन है, उस टेक्स्ट के बारे में जो आपको मिला है वो एनोटेशन है। वो एनोटेशन करते क्यों है, ताकि उसे मशीन लर्निंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सके। एनोटेशन हर वजह के भी हो सकती है, लेकिन हम तो वजह से ही करेंगे, तो हम ऐसी एनोटेशन करते हैं जिसे मशीन लर्निंग सिस्टम में इस्तेमाल कर सके। और मशीन लर्निंग सिस्टम में फिर काम ये होता है कि इसके फीचर्स बना दिए जाते हैं। मैंने जो आपको डेटाबेस वाले एग्जांपल दी थी कि अगर बैंकिंग सिस्टम है तो आपके पास एक कॉलम एज का होगा, कि ज्यादा एज वाले लोग नॉर्मली हो सकता है लोन वापस ना करते हों, ये एक कॉलम सैलरी का होगा कि ज्यादा सैलरी वाले लोग कम सैलरी वाले लोग लोन वापस नहीं कर पाएंगे एंड सो ऑन, वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। तो लेकिन वो डेटा कॉलम्स की फॉर्म में मौजूद होगा। उर्दू में जब हम मतलब नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं तो पैराग्राफ से पैराग्राफ्स होते हैं, फीचर्स नहीं होते। तो इसमें सिर्फ एक बड़ा, और मैंने पूरा एक जो एक क्लास रखी है वो फीचर क्रिएशन पे रखी है, कि हमें फीचर्स खुद बनाने होते हैं। मतलब करंट वर्ड क्या है, ये जैसे अगर पहली लाइन ही देख लें कि डब्लू नॉट का मतलब है कि करंट वर्ड क्या है, डब्लू माइनस वन का मतलब है कि इससे पिछला वर्ड क्या था, डब्लू प्लस वन का मतलब है कि इससे अगला वर्ड क्या था, पी नॉट का मतलब है करंट वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, पी प्लस वन का मतलब है कि अगले वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो एक जो सबसे बड़ा काम होता है मशीन लर्निंग में, यानी जो मशीन लर्निंग अगर आपको आती भी है तो आपको एनएलपी क्यों पढ़नी पड़ेगी, तो ये फीचर्स हमें बनाने पड़ते हैं। अगर आपने एनएलपी पढ़ी भी है तो आप अच्छे फीचर्स बनाएंगे, अगर आपने एनएलपी नहीं पढ़ी भी तो आप ये अच्छे फीचर्स नहीं बनाएंगे। तो मेजर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन से फीचर्स बनाऊं, वर्ड नेम एंटिटी रिकग्निशन के लिए कौन से फीचर्स बनाऊं, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बिजनेस न्यूज है या ये पॉलिटिकल न्यूज है, इसको क्लासिफाई करने के लिए अगर मुझे सिस्टम बनाना है तो उसके लिए कौन से फीचर्स बनाऊं, तो ये चीज हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में देखते हैं। जब हम ये फीचर बना लेते हैं तो उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन है एल्गोरिथम है वो हमारे लिए एक ब्लैक बॉक्स होता है कि हम कोई भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम उठाएंगे और उसे यूज कर लेंगे। तो हमारा जो इंफेसिस होगा इसमें वो ये फीचर बनाने पर होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम के फीचर्स किस तरह से बनेंगे, और जब एक दफा फीचर बन जाएंगे तो आप उसे फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो मशीन लर्निंग की एग्जांपल हो गई, जस्ट फीचर बनाने का एक तरीका मैंने ब्रीफली ये बता दिया। एक और तरीका जो फीचर्स बनाने का होता है वो ये होता है कि आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट में से आपने वर्ड्स की बैग ऑफ वर्ड अप्रोच चलाता है कि आप ये भूल जाएं कि वर्ड्स के दरमियान में स्ट्रक्चर है, इसमें जितने वर्ड्स हैं उनको काउंट कर लें, यानी सेंटेंस में कोई स्ट्रक्चर है आप इसे भूल जाएं, और इसमें टेक्स्ट 3 दफा आया है, अनस्ट्रक्चर्ड 2 दफा आया है, इंफॉर्मेशन 2 दफा आया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने सिर्फ काउंट कर ली कि कौन सा वर्ड कितनी दफा आया है, और ये आपके पास एक वेक्टर बन गया जो अगली स्लाइड में तो आपके पास एक पूरा टेबल बना सकते हैं। एक कॉलम में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो 3 दफा आया है, दूसरे कॉलम में अनस्ट्रक्चर्ड लिखा हुआ है वो 2 दफा आया है। अच्छा, फिर सवाल ये होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड ये है और अगर आप तीसरी लाइन के आखिरी वर्ड चले जाए तो स्ट्रक्चर, क्या ये 2 अलग अलग चीजें या एक ही है? तो आप एक
वर्ड बना देंगे रूट वर्ड स्ट्रक्चर और वो 2+1 तीन दफा आया है एंड सो ऑन. इसी तरह टेक्स्ट तीन दफा तो आया है लेकिन तीसरी लाइन का जो तीसरा वर्ड है टेक्स्टुअल वो भी टेक्स्ट से ही ड्राइव होके बना है. तो टेक्स्ट वाली चीजें 3+1 चार दफा आई है. तो ये इंफॉर्मेशन गेट करके बैग ऑफ वर्ड्स बनाना और बैग ऑफ वर्ड्स बनाकर आपके पास जो एक कॉलम्स में डेटा आ जाता है कि ये जो आपके पास पैराग्राफ आया इसे आप एक पूरी रॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं कि टेक्स्ट चार दफा आया, अनस्ट्रक्चर्ड तीन दफा आया, इंफॉर्मेशन दो दफा आया. तो ये सारी चीजें फीचर इंजीनियरिंग कहलाती है और हमें ये पढ़ना होता है. फिर ये भी फीचर्स बन जाएंगे तो उसके बाद आप मशीन लर्निंग का SVM की लाइब्रेरी कॉल कर लेंगे, नाइट बेस की लाइब्रेरी कॉल कर लेंगे, डिसीशन ट्री की लाइब्रेरी कॉल कर लेंगे, कोई भी लाइब्रेरी आप उठाएंगे और उसको कॉल करके बस आप उसे इस्तेमाल कर लेंगे. तो वो उस लाइब्रेरी के अंदर क्या चल रहा है वो तो कुछ नहीं होगा. पाइथन में अगर हम काम करेंगे तो दो फंक्शन आपको सीखने होंगे, एक ट्रेन वाला और एक प्रेडिक्ट वाला. तो बस वो दो फंक्शंस को यूज करेंगे और फिर लॉजिक ये कि क्या आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करनी चाहिए या डिसीजन ट्री यूज करना चाहिए, इस तरह की प्रॉब्लम में ये हमें पता होना चाहिए. उसके अंदर कौन सी इक्वेशन चल रही है वो मशीन लर्निंग का काम. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल सेंटिमेंट एनालिसिस है और ये मशीन लर्निंग अप्रोच की बेस्ड भी होती है. और जैसे पूरे कोर्स में आपको ये नजर आएगा कुछ मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस होती हैं, कुछ लेक्सिकॉन बेस्ड अप्रोच होती है. तो सेंटिमेंट एनालिसिस में भी यही होता है कि लोगों ने पॉजिटिव लेक्सिकॉन और नेगेटिव लेक्सिकॉन मिलके बना के रखे हुए होते हैं कि अच्छा, बेहतरीन, जबरदस्त, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, बुरा, बेकार, घटिया, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं. तो अब आपने काउंट कर लिए कि मेरे पास एक मैसेज जो आया है उसमें पॉजिटिव वर्ड्स कितने हैं और नेगेटिव वर्ड्स कितने. अब पॉजिटिव वर्ड्स ज्यादा हैं तो उस मैसेज का सेंटिमेंट रफ एल्गोरिथम के हिसाब से पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव कैसे है तो नेगेटिव है. तो लोगों ने लेक्सिकॉन बनाने शुरू किए हैं कि हजारों वर्ड्स के लेक्सिकॉन होते हैं कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव है और कौन सा वर्ड नेगेटिव है. तो लेक्सिकॉन बेस्ड अप्रोच भी चलती है, जो आप लिंग्विस्टिक अप्रोच कह लें, मूड बेस्ड अप्रोच कह लें, हार्ड कोडेड अप्रोच कह लें, या मशीन लर्निंग अप्रोच चलेगी सेंटिमेंट एनालिसिस में कि आपने 10,000 एग्जाम्पल्स दे दी कि इसमें से ये 5,000 पॉजिटिव एग्जाम्पल्स थी, पॉजिटिव कमेंट्स थे, और ये 5,000 नेगेटिव कमेंट थे. सेंटिमेंट एनालिसिस सिस्टम खुद लर्न करेगा कि किस तरह का मैसेज पॉजिटिव होता है, किस तरह का मैसेज नेगेटिव होता है. यानी वो वर्ड्स को खुद ही वेट असाइन करेगा कि ये वर्ड एज अ पॉजिटिव इस्तेमाल होता है और ये वर्ड एज अ नेगेटिव इस्तेमाल होता है. तो हम हर एक में सेंटिमेंट एनालिसिस भी करेंगे तो इसके दोनों एस्पेक्ट देखेंगे कि लेक्सिकॉन बेस्ड अप्रोच क्या है और मशीन लर्निंग अप्रोच क्या है. लैंग्वेज मॉडल होता है कि हम एक सेंटेंस को देखकर, अगर वैसे आप देखें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वगैरह में कि कोई चीज ग्रामेटिकल है या नहीं है, हम उसकी CFG बनाते हैं, ऑटोमेटा थ्योरी में देखते हैं, और अगर उस CFG के मुताबिक उसका पास्ट्री बन जाए तो वो ग्रामेटिकल होती है, अगर पास्ट्री ना बने तो वो उस ग्रामर के मुताबिक नहीं होती. तो ये भी सही है, लेकिन हम ग्रामर की प्रॉबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे लैंग्वेज मॉडल कहते हैं. दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकल. अगर ये सेंटेंस ग्रामेटिकल होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई आएगी, 0.9. अगर मैं ये कहता हूँ सेंटेंस दिस ग्रामेटिकल इज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम आएगी कि ये इस लैंग्वेज को बिलोंग करता है. तो ऑटोमेटिकली भी हम लर्न कर सकते हैं कि मेरे पास चाइनीज का डाटा आया है या मेरे पास गुजराती लैंग्वेज का डाटा आया जो मुझे नहीं आती है, और मुझे उसका सिस्टम बताना है कि वो ग्रामेटिकल है या नहीं है. तो अगर मेरे पास बहुत ज्यादा डाटा है तो मैं उसका एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ट्रेन कर सकता हूँ, जो जिसको कोई नया सेंटेंस मिलेगा तो वो सेंटेंस को देख के की प्रोबेबिलिटीज, इस तरह की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके वो बता देगा कि सेंटेंस की प्रोबेबिलिटी क्या. हम थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं कि 0.8 से ज्यादा वाला है तो हम उसे ग्रामेटिकल कंसिडर करेंगे, अगर 0.8 से कम वाला है तो हम उसे वार्निंग दे देंगे कि वो ग्रामेटिकल नहीं है. तो ये लैंग्वेज मॉडल कहलाता है कि आप एक ग्रामर चेकर बना सकते हैं उस लैंग्वेज को समझे बगैर. अगर उस लैंग्वेज का आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट मौजूद है तो उसका ग्रामर चेकर बना सकते हैं कि ये सेंटेंस या ये चंग ग्रामेटिकल है या नहीं है. तो ये लैंग्वेज मॉडल कहलाता है और आप वर्ड्स के बेस पर होता है. इस वक्त मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि 7:55 हो गया वैसे और टाइम है भी हमारे पास.
लैंग्वेज मॉडल या तो यूनिग्राम की बेस पे बनता है कि एक वर्ड के बेस पे देखें या दो वर्ड्स के बेस पे देखें। तो जितने ज्यादा वर्ड्स की सीक्वेंस उठा के आप बनाएंगे यूनिग्राम उतना अच्छा ही होगा। और फिर आपके पास एक दफा लैंग्वेज मॉडल बन जाए तो उससे आप सेंटेंसेस क्रिएट भी कर सकते हैं। तो एक वर्ड पे जो लैंग्वेज मॉडल बना उसने कोई खास सेंटेंस क्रिएट नहीं किया, लेकिन चार चार वर्ड्स एक साथ मिलाकर आप जब बनाएंगे तो ये आपको लगेगा कि ये कोई अच्छा सेंटेंस है, जबकि ये सेंटेंस कंप्यूटर ने खुद जनरेट किया है। उसे शेक्सपियर के सारे ड्रामे जितने भी उसने लिखा है वो दे दिए, तो वो शेक्सपियर जैसे सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जनरेट कर रहा है। तो लैंग्वेज मॉडल सिंपलेस्ट यही है। और आजकल तो डीप लर्निंग में बर्ट और GPT के जरिए इससे अच्छा काम हो रहा है। तो लैंग्वेज मॉडल वाली बात हो गई। अब मशीन लर्निंग, क्लासिकल मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से आने से पहले वाली मशीन लर्निंग यहाँ पे खत्म हो गई। लिंग्विस्टिक अप्रोच हमने देख ली कि हार्ड कोडेड रूल्स होते थे और उसके साथ अगर आप लेक्सिकॉन बना रहे होते थे तो वो भी हार्ड कोडेड होता था कि ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये सारे नाउन हैं, ये सारे एडजेक्टिव हैं, ये सारे किसी को बैठ के लिखना होता था। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में ये है कि सिर्फ आप एनोटेट करके दे दें, इसलिए एनोटेट वर्ड आया था कि कुछ डाटा एनोटेट करके दे दें एज अ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, उसके बाद वो खुद लर्न कर लेगा कि कौन सी चीज क्या होती है। लेकिन मशीन लर्निंग के बाद जो सारी दुनिया में हर फील्ड में ये बात आई कि डीप लर्निंग, तो डीप लर्निंग सिस्टम्स क्या हैं और कौन से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं और हमें ज़रूर देखने चाहिए, वो अभी डिस्कस करते हैं। 15 मिनट का या 10-15 मिनट का एक ऐसा ब्रेक ले लेते हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करते रहें, डिस्कस करते रहें, लेकिन कोई नई टॉपिक डिस्कस ना करें ताकि एकदम से जो बम्बार्डमेंट हो रही है, क्योंकि इसमें से हर 3 स्लाइड के बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, हर 2 से 3 स्लाइड बाद, तो वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाए। 7:57 हो रहे हैं। तो अभी तक जो पढ़ा है इसमें से क्या क्वेश्चंस हैं, और दूसरी बात यह है कि अभी तक हमने जो पढ़ा है इसमें से आप प्रोजेक्ट्स के मुतालिक बात कर सकते हैं। मैं इसमें हम प्रोजेक्ट्स के मुतालिक बात कर सकते हैं कि किस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए, आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो आप अगर देखें तो आप ग्रामर चेकर्स बड़े आराम से बना सकते हैं, मतलब आप इंग्लिश के ग्रामर चेकर्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश की भी आप किसी डोमेन का ग्रामर चेकर बनाना चाहें या उर्दू का ग्रामर चेकर बनाना चाहें जी, तो ये चीजें आप ऑटोमेटिकली ये कर सकते हैं कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा टेक्स्ट आ गया, उस टेक्स्ट को आपने लैंग्वेज मॉडल बनाया और उसमें से हर सेंटेंस को आपने प्रोसेस किया और फिर आपको बता रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये ग्रामेटिकल है या नहीं है। आप को इनपुट रोमन उर्दू में लेना है, लेकिन क्या वो रोमन उर्दू में आया है, या आपको इनपुट इंग्लिश में लेना है और किसी ने वहां पर रोमन उर्दू लिख दी, तो आप चेक करके क्या ये बता सकते हैं कि वो इंग्लिश है या रोमन उर्दू है या रोमन अरबी है या कुछ और है या वो स्पेनिश लैंग्वेज है। तो इस तरह के लैंग्वेज मॉडल्स बनाए जा सकते हैं जो ये आपको किसी प्रॉब्लम्स को चेक करके बता दें। अच्छा, लैंग्वेज मॉडल का फिर दूसरा इस्तेमाल भी होता है क्योंकि ये मॉडल जनरेट भी कर रहे होते हैं। तो वर्ड कंप्लीशन वाली बात, कि आपने एक वर्ड गूगल पे टाइप किया और उसने अगला वर्ड सजेस्ट कर दिया। आजकल जीमेल और बहुत अच्छा काम कर रहा है और गूगल डॉक्स बहुत अच्छा काम कर रही है कि आपने इट इज लिखा और उसने आगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया जो मेल आई है उसकी कॉन्टेक्स्ट की बेस पर। तो ये आगे वाले सेंटेंसेस जनरेट करना, ये भी लैंग्वेज मॉडल प्लस कॉन्टेक्स्ट और चीजें मिलाकर आप इस तरह के सिस्टम बना सकते हैं। वैसे तो लैंग्वेज मॉडल सबसे आखिर में इसीलिए चला गया है कि अब जो मॉडर्न बर्ट और अपना GPT जो डीप लर्निंग सिस्टम्स आ गए हैं वो इससे अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो लेकिन वो बहुत भारी होते हैं, यानी प्रोसेसिंग में बहुत भारी होते हैं। तो अगर एक और इशू ये होगा कि अगर आपको हल्का सिस्टम बनाना है जिसमें प्रोसेसिंग कम लगे, रिसोर्सेज कम लगे, तो आप मशीन लर्निंग सिस्टम बना लें। उससे हल्का सिस्टम बनाना है तो आप लिंग्विस्टिक एनालिसिस बना लें। वो जो कहते हैं ना कि
आपको तोप से मक्खी नहीं मारनी चाहिए। तो अगर बहुत सिंपल सा सिस्टम है तो उसके लिए रूल बेस्ड सिस्टम बना लें। आपको ये चेक करना है कि गिवन इनपुट, एक ईमेल आपने ईमेल मांगी थी किसी वेब फॉर्म पे, और वो ईमेल एड्रेस वैलिड है या नहीं है, उसका फॉर्मेट वैलिड है या नहीं है, तो आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आपने फोन नंबर बता मांगा था या क्रेडिट कार्ड नंबर बता मांगा था, उसका फॉर्मेट वैलिड है या नहीं है, आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। उसके लिए आपको मशीन लर्निंग सिस्टम में जांच करने की जरूरत नहीं है, तो उसे आप हजारों ईमेल एड्रेस दें और उसके बाद वो ईमेल एड्रेस का पैटर्न लर्न करें, या डीप लर्निंग सिस्टम ईजाद करने की जरूरत नहीं है, वो रेगुलर एक्सप्रेशन से आराम से हो जाएगा। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम से आराम से हो जाएंगे, उसके लिए आपको मशीन लर्निंग का आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मशीन लर्निंग से आराम से हो जाएंगे, जैसे लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन, कि ये उर्दू है या अरबी है या फारसी है, ये इंग्लिश है एक ही तरह से लिखी जाती है, या जर्मन है या फ्रेंच है, ये आपको आराम से, या रोमन उर्दू है, ये आपको आराम से मशीन लर्निंग के या टेक्स्ट माइनिंग के सिंपल मेथड से हो जाएंगे। तो आप लोग उसी से कर लें, आपको डीप लर्निंग पे जाने की जरूरत नहीं है। डीप लर्निंग पे आप उस वक्त जाएं जब उसका सलूशन मशीन लर्निंग से अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि डीप लर्निंग रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज करेंगे, अभी वो आगे हम डिस्कस कर रहे होंगे कि किस तरह से यूज करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स आपको देखने के, लैंग्वेज मॉडल्स, नेक्स्ट वर्ड जनरेशन, स्पेल चेकर्स वगैरह बहुत चल रहे हैं आजकल, इंग्लिश के लिए है, लेकिन आप रोमन उर्दू टाइप कर रहे हैं तो नेक्स्ट वर्ड या पूरा आपकी ईमेल उसी तरह से कंप्लीट कर देगा, या आपका कोई आप एसएमएस कर रहे हो उसी तरह से कन्वर्ट कंप्लीट कर देगा, जिस तरह से आजकल जीमेल कंप्लीट कर देता है अगर आप उर्दू में, रोमन उर्दू में टाइप कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखने की हैं। फिर आपके पास क्लासिफिकेशन के कितने सिस्टम है जो आप सोच सकते हैं। क्लासिफिकेशन का मकसद यह है कि आपने कह दिया कि न्यूज, दो तरह की न्यूज मेरे पास आ रही है, कुछ स्पोर्ट्स न्यूज आ रही है और कुछ बिजनेस न्यूज आ रही है, तो मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो स्पोर्ट्स न्यूज को अलग कर दे और बिजनेस न्यूज को अलग कर दे। या मेरे पास जो न्यूज आ रही है वो न्यूज नहीं आ रही, बल्कि मेरे पास डिफरेंट ऑथर्स के लिखे हुए चीजें हैं, और ऑथर आइडेंटिफाई करना है कि ये किस ऑथर ने लिखा है। इवन इस पर भी काम हुआ है, और हम लोगों ने भी एक दो प्रोजेक्ट यहाँ पे या दूसरी जगह पे करवाए हैं कि वो ऑथर आइडेंटिफाई कर दे कि इस ऑथर ने लिखा है या दूसरे ऑथर ने लिखा है। अच्छा, जो चीज लिखी हुई है क्या वो एक स्टोरी है या वो एक न्यूज है, ये वाली इंफॉर्मेशन। इवन लोगों ने ये काम किया है कि जो जेंडर है, जो लिखा है वो मेल ने लिखा है या फीमेल ने लिखा है, लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि, तो किसी भी किस्म की क्लासिफिकेशन के, उसकी टेक्स्ट की टाइप क्या है, कि वो स्टोरी है या टेक्स्ट है या रिसर्च पेपर है, न्यूज है या डायलॉग्स है, वो सारी चीजें हो जाए। किस ऑथर ने लिखी है वो हो गया, किस टॉपिक पर है वो सारी चीजें। इस क्लासिफिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, और आप उनमें से किसी को भी देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। फिर सेंटिमेंट एनालिसिस भी आता है। जी सर, मल्टीलिंगुअल कॉर्पस में से भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है ना? मल्टीलिंगुअल, अच्छा, मल्टीलिंगुअल दो तरह से, एक तो यह है कि आपने इंग्लिश का अलग से बना रहे हैं, उर्दू का अलग से बना रहे हैं, अरबी का अलग से बना रहे हैं, एक तो क्लासिफिकेशन ये है। और उससे ज्यादा मुश्किल मल्टीलिंगुअल में ये भी हो जाए कि सारी न्यूज पाकिस्तान के मुतालिक, चाहे वो इंग्लिश में भी हो, चाहे अरबी में हो, चाहे फ्रेंच में हो, चाहे उर्दू में हो, सब एक साथ एक क्लास में आ जाए, तो लोग इवन इस पे भी काम कर रहे हैं। तो ये दोनों काम हो सकते हैं। जैसे मेरा फोकस ये था कि अगर हम ट्वीट्स की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें, तो वहाँ पोस्ट करने वाला इंसान जो है वो ये नहीं सोचता कि वो कौन सा जुमला अंग्रेजी में लिख रहा है, कौन सा उर्दू में लिख रहा है, तो उसको एनालाइज करने के लिए एक मल्टीलिंगुअल जो है ना क्लासिफिकेशन कुछ होना चाहिए। मल्टीलिंगुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम आज की जरूरत है, क्योंकि ट्वीट में पूरा एक वो कहलाता है कोड स्विचिंग, के आपने आधा जुमला, एक जुमला इंग्लिश में लिखा या आधा जुमला इंग्लिश में लिखा, उसके बाद उर्दू में चले गए, उसके बाद थोड़ा सा पंजाबी का टच डाल दिया, फिर आपने फारसी का एक कोट कर दिया, शेर लिख दिया। तो ये जो चार पांच लैंग्वेजेस एक में आ जाती हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और जनरली एक और प्रॉब्लम भी है कि मुझे, आपको इंग्लिश उर्दू दोनों आती है,
अगर मैं कुछ चीज सर्च कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश के भी रिजल्ट मिल जाए, उर्दू के भी रिजल्ट मिल जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक दफा इंग्लिश में पी ए के आई एस टी एन पाकिस्तान लिख के सर्च करूँ, एक दफा उर्दू स्क्रिप्ट में पी एल एफ लिख के सर्च करूँ तो फिर वो रिजल्ट आए। ये मल्टीलिंगुअल क्लासिफिकेशन एक अच्छा टॉपिक है और इस पे हो सकता है, बल्कि हो रहे हैं आजकल काम के उन चीजों को एक तरह से डील करें। एक आगे जाके एक सिस्टम आएगा कि फेसबुक ने एक लेजर लाइब्रेरी बताई है जो वर्ड एम्बेडिंग, जिस तरह से हमने देखा था कि सूरज और चांद एक जैसे आ रहे थे, तो वो सेंटेंस को एम्बेड करता है और वो सेंटेंस को एम्बेड उसने इस तरह से लर्न किया है कि वो सेंटेंस इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, अरबी में हो, वो उनको एक तरह का नंबर स्कोर देगा। तो वो वही वाली बात है कि वो किसी भी लैंग्वेज में हो, जब उसे इनकोड करेंगे तो वो उस पूरे सेंटेंस को एक जैसा वो स्कोर देगा। वो स्कोर क्या होता है, जब हम वर्ड एक वर्ड स्लैश सेंटेंस एम्बेडिंग वाले में आएंगे वो देखेंगे। तो आजकल ये भी काम हो रहा है कि और गूगल और फेसबुक खासतौर पे, पहले ये होता था कि मैं बैठ के उर्दू का सिस्टम बना रहा हूँ, अफगानिस्तान में बैठ के कोई पश्तो का सिस्टम बना रहा है, ईरान में बैठ के कोई फारसी का सिस्टम बना रहा है। आजकल गूगल और फेसबुक को ने 100 लैंग्वेजेस तो इम्प्लीमेंट कर दी हैं और उनका इरादा यही है कि 300-400 लैंग्वेजेस के बोलने वाले जो भी उन पे गूगल पे कोई भी वेब पेज बना रहा है जिसे गूगल को सर्च करना है, या कोई फेसबुक पे कुछ टाइप कर रहा है जो फेसबुक को उसे एनालाइज करना है, उन सारी लैंग्वेजेस को डील करें। तो वो मल्टीलिंगुअल ही सोल्यूशन बना रहे हैं कि अब गूगल के लिए और फेसबुक के लिए मुमकिन नहीं है कि 200 लैंग्वेजेस के लिंग्विस्ट को बिठा कर हर एक का अलग अलग सिस्टम बनाए। तो वो एक सिस्टम बनाते हैं कि वो लैंग्वेजेस को अलग अलग करें और उसको ऑटोमेटिकली लर्न कर लें, यानी उस सारे टेक्स्ट को एज अ जॉइंट सिंगल चीज समझें और उसको एज अ सिंगल चीज ही मॉडल कर लें। उन्हें ये भी ना पता हो, वो पता ही नहीं चल सकता कि मैंने आज उर्दू लिखी है, इंग्लिश लिखी है, या रोमन उर्दू लिखी है, उर्दू लिखी है या फारसी लिखी है। तो मल्टीलिंगुअल कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है और ये जो जायंट्स हैं जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग वाले दोनों, गूगल फेसबुक और फिर माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन एलेक्सा के लिए, माइक्रोसॉफ्ट अपने चैटबॉट वगैरह के लिए भी, तो ये सब जो है ना इसमें मल्टीलिंगुअल प्रोसेसिंग में आ रहे हैं कि लैंग्वेज स्पेसिफिक एल्गोरिथम ना हो, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। तो अभी यूडीपाइप का जिक्र आया था, यूडीपाइप क्या है, यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज, वो भी उसमें भी यूनिवर्सल आ गया कि एक तरीका हो जिससे सारी लैंग्वेजेस पार्स हो जाए, आपको अलग अलग तरीके ना डील करने पड़े। तो मल्टीलिंगुअल और यूनिवर्सल इस वक्त का मोस्ट हॉट टॉपिक है एनएलपी मशीन लर्निंग में, ये तो इम्पोर्टेंट है और आप लोग इस पे फोकस करें। अच्छा हुआ ये हो गया, सवाल हो गया कि ऐसे सिस्टम जो सब पे चले, ऐसे सिस्टम जो उस जबान पे भी चले जो आपने मॉडल बनाते वक्त सोची भी ना हो, उस पे भी चल जाए। और कोई लैंग्वेज मॉडल वाली बात हो गई, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वाली बात हो गई, आज हम इनपुट दे रहे हैं कि क्या है, मतलब हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो फिर नेक्स्ट में थोड़ा सा हम देखेंगे। प्रोजेक्ट्स के हिसाब से चलें, अब आ जाते हैं डीप लर्निंग पर। और कोई क्वेश्चन सर? एक चीज है, जैसे सेगमेंट्स बनते हैं, तो अगर एक वर्ड, एक लाइन, एक सेंटेंस उर्दू में है और एक इंग्लिश में, तो दोनों के सेगमेंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स बराबर होना जरूरी है? तो फॉर एग्जांपल उर्दू में 4 है तो इंग्लिश में 4 ही होना चाहिए? नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, इसीलिए मशीन लर्निंग थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, इसीलिए बल्कि अभी सही है, तो ये जरूरी नहीं है। और इसी वजह से मशीन ट्रांसलेशन या इस तरह के सिस्टम जिसे इनकोडर डिकोडर सिस्टम कहते हैं, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं दूसरे सिस्टम्स के हिसाब से, तो इसका जवाब अभी आपको थोड़ा आगे मिल रहा है। अच्छा जी, तो डीप लर्निंग क्या थी? मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम्स हैं,
जिसमें अगर आप नॉर्मली देखें तो आप बल्कि चले नहीं इसमें जा। डीप लर्निंग क्या कहती है? डीप लर्निंग का आइडिया ये है, डीप लर्निंग इज अ न्यूरल नेटवर्क, ऐसा न्यूरल नेटवर्क जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, न्यूरल नेटवर्क डिकेड्स से चले आ रहे थे, शायद 50s या 60s में इंट्रोड्यूस हो गए थे, लेकिन उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी कि न्यूरल नेटवर्क ज्यादा लेयर्स वाले नहीं बनते थे। अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या कहीं और मशीन न्यूरल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन देखा है तो आपने देखा होगा उसमें दो लेयर्स या तीन लेयर्स बना रहे होते थे, लेकिन प्रैक्टिकली दो लेयर से ज्यादा जाना मुश्किल नहीं होता था क्योंकि उसमें एरर प्रोपेगेशन में प्रॉब्लम होती थी। फिर उसको सॉल्यूशंस ढूंढे गए जो डीप लर्निंग के कोर्स में डिस्कस होते हैं, कि उन्होंने एरर बैक प्रोपेगेशन के एल्गोरिथम्स में क्या क्या चेंजेस की और क्या किस तरीके से रेलो के जरिए या किसी और जरिए से उन्होंने सॉल्व किया कि आपके पास डीप न्यूरल नेटवर्क्स बनने शुरू हुए। यानी 10 साल पहले या शायद 6 साल पहले तक अगर आप कहते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स में ज्यादा से ज्यादा कितनी लेयर्स रख सकते हैं तो वो उसमें कोई कहता है कि 2 लेयर्स रख सकते हैं, 2 से ज्यादा, और अब 200 और 2000 लेयर्स के सिस्टम्स बनने शुरू हो गए हैं, 200 लेयर्स 2000 लेयर वाले सिस्टम्स बनने शुरू हो गए हैं, तो लेयर्स बहुत ज्यादा हो गए। तो डीप लर्निंग क्यों आई के एक न्यूरल नेटवर्क्स के एल्गोरिथम्स में लेयर्स का मसला था कि लेयर्स ज्यादा नहीं बन सकती थी, वो मसले सॉल्व हो गए, उसके बेहतर एल्गोरिथम्स और बेहतर फार्मूले आ गए। दूसरी चीज मशीन लर्निंग में क्यों आई, मशीन लर्निंग वाले मामले में भी रह गया मामला, लिंग्विस्टिक एनालिसिस उस वक्त चलता था जब कंप्यूटर स्लो होते थे, तो कंप्यूटर स्लो होते थे तो उसमें रूल बेस्ड सिस्टम आपने अपने दिमाग में सोचा बैठकर और वो फिर रूल लिख दिया और रूल चल गया। मशीन लर्निंग को प्रोसेसिंग पावर ज्यादा चाहिए होती है, जैसे जैसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर बढ़ने लगी आपने थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स या मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स प्रोसेस करके मिनटों में या घंटों में मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल प्रोसेस करके सिस्टम बनाने शुरू कर दिए क्योंकि कंप्यूटर के प्रोसेसर ताकतवर हो गया। कंप्यूटर के प्रोसेसर और ज्यादा ताकतवर हो गया और ज्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग आपके पास आ गई, जीपीयू आ गए जिसपे एक वक्त में पैरेलल कोर्स चल रहे होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पैरेलल कोर्स चल रहे होते हैं, तो पैरेलल प्रोसेसिंग और ज्यादा हो गई तो आप एक सेकेंड में और ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग आज से 20 साल पहले, मैं डीप वालों को अगर मैं इनकी किताब जाके प्रोवाइड भी कर दूं कि ये डीप लर्निंग के फार्मूले हैं और ये उसकी लाइब्रेरीज हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हार्डवेयर, जितना पावरफुल हार्डवेयर इन्हें चलाने के लिए चाहिए वो उस वक्त मौजूद ही नहीं था। जैसे जैसे हार्डवेयर पावरफुल होता गया हम ऐसे एल्गोरिथम्स बनाते गए जो उस पावरफुल हार्डवेयर पे चलता है। 20 साल पहले टाइम मशीन से आप जाके ये सारी चीजें लाइब्रेरीज दे आए वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक वो उतना पावरफुल हार्डवेयर ना बना ले। तो डीप लर्निंग का एक और सक्सेस स्टोरी इस वजह से है कि आपके पास ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर आ गया है तो आप बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। एक नंबर लिखा हुआ आएगा शायद कि अभी हम जो ट्रेन ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि अगर उसे पैरेलल प्रोसेसिंग से करते हैं तो 227 साल लगते हैं, जिसे उन्होंने शायद 4 दिन में ट्रेन कर दिया। कहाँ 200 साल और कहाँ 4 दिन, अगर वो सिंगल कोर पे अगर ट्रेन कर रहे होते तो उसे 200 साल लगते हैं, जिसे उन्होंने पैरेलल कोर में पैरेलल कोर वाले पैरेलल सिस्टम्स लगा के 4 दिन में ट्रेन कर दिया। तो डीप लर्निंग की एक पावर उसकी प्रोसेसिंग हार्डवेयर पावर है और उस हार्डवेयर की वजह से हम ज्यादा लेयर्स वाले सिस्टम बनाने लगे जो ज्यादा डेटा को प्रोसेस करते हैं। अच्छा, डीप लर्निंग में और लैंग्वेज मॉडल में फर्क क्या होता है? डीप लर्निंग सिस्टम से पहले भी हम सीक्वेंस मॉडल कर रहे होते थे, यानी अभी जो हम लास्ट स्लाइड पे रुके हुए थे कि हम बायोग्राम मॉडल से भी बता सकते हैं कि दिस के बाद सेंटेंस आने की, ये जो आपके पास लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस गिवन दिस, ये बता रहा है कि दिस के बाद सेंटेंस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपने अगर टाइप किया दिस, किसी सिस्टम बनाने आपने दिस टाइप किया, उसके बाद आप सर्च कर सकते हैं कि दिस के बाद किस वर्ड के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और आपने सजेशन में उसको सबसे ऊपर रख दिया, फिर सेकंड प्रोबेबिलिटी वाले को सेकंड पे रख दिया, थर्ड प्रोबेबिलिटी वाले को थर्ड पे रख दिया। आप एक लैंग्वेज मॉडल बड़े आराम से बना सकते हैं जो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन कर रहा हो, जिस तरह से कीबोर्ड्स अक्सर कीबोर्ड्स कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है
और डीप लर्निंग सीक्वेंस को उससे अच्छा मॉडल करता है। किस तरह से हमारे जो क्लासिकल सिस्टम्स हैं वो ये करते हैं कि हेलो है तो आपने कहा कि हेलो के बाद हाउ आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो हेलो के बाद आपने हाउ प्रिंट कर दिया। अच्छा, किसी ने हाउ टाइप किया तो उसके बाद आर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट की कॉर्पस में से कि कितनी दफा ऐसा हुआ था कि हाउ के बाद आर आया था, तो वो अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी आई, तो आपने हाउ के बाद आर कर दिया, फिर आर के बाद यू आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन चल रही थी लैंग्वेज मॉडल्स के जरिए, और आप इससे मुनासिब सिस्टम बना सकते हैं, एक्सलेंट नहीं तो गुड सिस्टम आज भी बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद सवाल यह है कि यू के बाद क्वेश्चन मार्क आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नॉर्मल केस में यू के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बल्कि नॉर्मली तो हो सकता है उसके बाद फुल स्टॉप आए। क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है कि शुरू में हाउ है, तो हमें ये इंफॉर्मेशन आखिर तक पहुंचानी है कि यू तो करंट वर्ड है, उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो यू पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो उससे सारे वाले पिछले वर्ड्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वो आर पे भी डिपेंड कर रहा है, वो हाउ पे भी डिपेंड कर रहा है, वो हेलो पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डीप लर्निंग इस सीक्वेंस को ज्यादा बेहतर तरीके से मॉडल करती है, लैंग्वेज मॉडल्स उसे उतने अच्छे तरीके से मॉडल नहीं करते। तो डीप लर्निंग क्या कहती है? डीप लर्निंग ये कहती है कि आपने हेलो इनपुट दिया, सिस्टम ने उसको किसी तरह से, ये जो आपके पास ऑरेंज बॉक्सेस हैं, ये एक न्यूरल नेटवर्क है, और जैसे मैंने कहा कि इसमें हम इसके अंदर कभी भी नहीं उतरेंगे कि न्यूरल नेटवर्क चलता किस तरह से, ये इसकी शक्ल कैसी होती है। हो सकता है जब मैं डीप लर्निंग का वाली क्लास में आऊं तो 15 मिनट में एक्सप्लेन कर दूं कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, लेकिन वरना हम इसके अंदर नहीं उतरेंगे। तो ये आपके पास एक ब्लैक बॉक्स है या ऑरेंज बॉक्स है, और इसमें हेलो इनपुट दिया, इसने इसे प्रोसेस किया और बता दिया कि इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वर्ड जो है वो हाउ है। किस तरह से पता चला? इसने मशीन लर्निंग से हमने ट्रेन किया। अच्छा, उसके बाद हेलो के बाद हाउ आया, तो हाउ के साथ दो इनपुट जा रहे हैं, एक तो हाउ का अपना इनपुट है और दूसरा पिछली जो स्टेट है वो भी चली गई है। तो हेलो से उसने क्या लर्न किया, वो भी एज इनपुट जा रहा है न्यूरल नेटवर्क पे, और हाउ भी जा रहा है। इन दोनों इंफॉर्मेशन को मिलाकर उसने बताया कि हेलो और हाउ के बाद मोस्ट प्रोबेबल आउटपुट आर है। अच्छा, फिर आर आया तो आर के बाद पिछली जो स्टेट है, जो हाउ वाला ऑरेंज बॉक्स है, ये ऑरेंज बॉक्स और आर मिल के फैसला करेंगे कि इसके बाद यू आना चाहिए। आर के बाद और भी कुछ आ सकता है, लेकिन हाउ और आर के बाद मिलके यू आना ज्यादा चांसेस है। तो पीछे अगर 500 वर्ड्स मौजूद हैं, 200 वर्ड्स मौजूद हैं, तो इन सबके इफेक्ट बता रहा होता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो हम पूरे सेंटेंस को या पूरे पैराग्राफ को एज अ सिंगल यूनिट एनालाइज कर रहे होते हैं, ये नहीं कर रहे होते कि एक वर्ड को या दो वर्ड्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो डीप लर्निंग के ये वाले मॉडल, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं, वो सीक्वेंस को अच्छी तरह मॉडल करते हैं। लैंग्वेज मॉडल से वो मॉडल होते थे, या क्लासिकल मशीन लर्निंग से मॉडल होते थे, लेकिन वो अच्छी तरह से मॉडल नहीं होते। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स के रिजल्ट्स भी लैंग्वेज मॉडल से अच्छे आते हैं। तो ये आरएनएन हो गए। 2 साल पहले तक ये बेहतरीन सोल्यूशन था, हर एक इसी पे काम कर रहा होता था जस्ट। लेकिन पिछले 2 साल में फिर इससे बेहतर सिस्टम आने लगे। क्यों? क्योंकि आरएनएन के इस आर्किटेक्चर में कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब आपको डीप लर्निंग पढ़ा रहा हूँ तो एक में आपको आरएनएन का कोई इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, वो नेक्स्ट हम नॉर्मली करते ये है कि एक स्टोरी या एक नॉवल उठाते हैं, उसे लर्न, उससे आरएनएन लर्न करवाते हैं, और उसके बाद उससे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करवाने लगते हैं, तो वो काफ़ी मुनासिब टेक्स्ट जनरेट करने लगता है। तो हम ये कम अज कम करके देखेंगे, लेकिन अभी 2-3 स्लाइड बाद हम देखेंगे कि आरएनएन की कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं और फिर उसके पे कुछ सॉल्यूशंस आते हैं। अच्छा, अब आरएनएन से या सीक्वेंस मॉडल से, इसीलिए जनरल मैंने टर्म रख दिया सीक्वेंस मॉडल। सीक्वेंस मॉडल एक तरह से इन कंट्रास्ट ऑफ बैग ऑफ वर्ड मॉडल। बैग ऑफ वर्ड मॉडल क्या कहता है? बैग ऑफ वर्ड मॉडल अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो कहता है इसमें 4 वर्ड्स आते हैं, हेलो हाउ आर यू, इनकी ऑर्डर को वो भूल जाता। हो सकता है वो अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेता कि एक वर्ड इसमें आर है, दूसरा हेलो है, तीसरा हाउ है और चौथा यू है। तो वो बैग ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर को भूल जाता है, सीक्वेंस को भूल जाता है,
बहुत सारी प्रॉब्लम खास तौर पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व हो जाती हैं बैकवर्ड अप्रोच से, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व नहीं हो सकती। उसमें फिर हमें ऑर्डर डज मैटर होता है और हमें सीक्वेंस मॉडल लाने पड़ते हैं। सीक्वेंस मॉडल में से एक लैंग्वेज मॉडल था प्रोबेबिलिस्टिक, दूसरे सीक्वेंस मॉडल आप ये देख लें, 1-to-1 मॉडल हो सकता है कि आपने एक इनपुट दिया उसने उसके बेस पर एक आउटपुट दे दिया, तो ये तो 1-to-1 मॉडल है। सीक्वेंस का मतलब तो जाहिर है 1 से ज्यादा चीजें। इमेज टू टेक्स्ट एक एप्लीकेशन है जो विजन और एनएलपी की मिक्स्ड एप्लीकेशन है और ये डीप लर्निंग के बाद ही आई है कि आपने तस्वीर दी और तस्वीर देख के उसने बता दिया अ कैट सिटिंग ऑन द टेबल या अ बॉय रनिंग इन द ग्राउंड, ये वाली इंफॉर्मेशन उसने एक तस्वीर दी देखकर उसने बता दी। तो आपने इनपुट तो आप एक ही देंगे जो एक इमेज होगा, उसके बाद कैट एक आउटपुट हो गया, उसके बाद दूसरा आउटपुट ऑन और तीसरा आउटपुट टेबल। तो जो दूसरी वाली 1-to-many है उसमें हमने एक तस्वीर दी और उसके में उसने एक एक सिंगल इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग तीन आउटपुट दे दिए कैट ऑन टेबल। या फिर मैनी टू वन हो सकते हैं कि आपने इनपुट मैनी दिए, आपने पूरा एक सेंटेंस दे दिया कि इट इज गुड, तीन है ना, तो मैं तीन वाले एग्जांपल सोच रहा हूँ, आपने इनपुट दे दिया तीन, इट इज गुड, उसने इट को प्रोसेस किया उसको आगे भेज दिया, फिर उसने इसको प्रोसेस किया इट के स्टेट को और इसको प्रोसेस किया और उसे आगे भेज दिया, फिर उसने गुड को प्रोसेस किया और उसका एक रिजल्ट जनरेट कर दिया कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है, ये नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है, ये पॉजिटिव सेंटिमेंट है। या इट इज गुड पे वो कह देगा ये इंग्लिश है ये रोमन उर्दू नहीं है। तो कोई ना कोई क्लासिफिकेशन किसे मल्टीपल इनपुट दिए और उसने एक आउटपुट दे दिया, ये मैनी टू वन सीक्वेंस मॉडल है। या मैनी टू मैनी सीक्वेंस मॉडल होता है पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, इट इज गुड वाली एग्जाम्पल ही आप ले लें, इट आपने इनपुट दिया उसने कह दिया इसकी पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है, इज आपने दिया उसकी पार्ट ऑफ स्पीच इसने कह दिया वर्ब है, तो आपको हर पिंक बॉक्स के ऊपर एक ब्लू बॉक्स मिल रहा है, इट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हो जाएगा प्रोनाउन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हो जाएगा ब्लू में वर्ब और गुड के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये मैनी टू मैनी है कि हर वर्ड हर टोकन जो आप देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक चीज आउटपुट देगी, तो ये मैनी टू मैनी वाला है। अच्छा, इसमें हर टोकन, वो जो टोकन वाला सवाल था ना उसका जवाब अब आ रहा है, इसमें हर टोकन की कॉरस्पॉन्डिंग एक कोई चीज जनरेट हो। मशीन ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें ये नहीं होता, इट इज गुड ये अच्छा है तो हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी जैसे आई रीड अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है ये दोनों पैरेलल ना हो। तो मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम में जब इसमें मैनी टू मैनी है लेकिन इन मैनी टू मैनी में 1-to-1 मैपिंग नहीं हो रही है, तो उसके लिए फिर आपको इनकोडर डिकोडर मॉडल बनाने हैं। ये भी मैनी टू मैनी है लेकिन इसमें 1-to-1 मॉडल मैपिंग हो रही है, इट का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बनाना है, इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बनाना है, गुड का पार्ट ऑफ स्पीच बनाना है। लेकिन ये भी हो सकता है जैसे इंग्लिश का सेंटेंस है आई एम ए स्टूडेंट जिसमें चार टोकन्स है और फ्रेंच का जो है इसका इक्विवेलेंट उसमें तीन टोकन्स है, तो चार इंग्लिश के वर्ड्स तीन फ्रेंच वर्ड्स में ट्रांसलेट होंगे। इस किस्म में फिर ये वाला मॉडल मैनी टू मैनी ये वाला मॉडल सिंपल मॉडल इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इनकोडर डिकोडर मॉडल इस्तेमाल होता है। इनकोडर क्या करता है, उसने आई को इनकोड किया, उस चीज को एम को पास कर दिया, फिर उसने एम और जो आई वाली स्टेट है उसको इनकोड किया, उसे आगे पास कर दिया ए और जो पिछली स्टेट आ रही है उसको इनकोड किया, आगे पास कर दिया। जब आप आखिरी पे पहुंचे स्टूडेंट वाले पे तो पूरा सेंटेंस इनकोड होके उस पे आ गया, पूरा सेंटेंस रिप्रेजेंट हो गया, जस्ट आपको दिखाने के लिए लिखा है कि 0.2, 0.6, -0.1 और 0.7 एंड सो ऑन। तो पूरा सेंटेंस इस एक वेक्टर में इनकोड हो गया, इस एक रॉ में, एक न्यूमेरिक रॉ में इनकोड हो गया। उसके बाद फिर डिकोडर चलेगा, तो इंग्लिश पूरी इनकोड हो गई, अब फ्रेंच डिकोडर चलेगा जो उसे डिकोड करेगा कि ये इंग्लिश का जो आपको इनकोडेड मैसेज मिला है उसे डिकोड किस तरह से करें, तो वो उसके लिए फ्रेंच सेंटेंस जनरेट कर देगा। तो ये इनकोडर मॉडल है कि आप इनकोडर भी लर्न करवाते हैं। अच्छा, जितने भी आपको इसमें रेक्टेंगल्स मिल रहे हैं ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं, आप इन्हें लर्न करवा रहे हैं लेकिन हम ब्लैक बॉक्स के तौर पर डील कर रहे हैं। मशीन लर्निंग किस तरह से होगी, जब मशीन लर्निंग होगी तो मैं 12वीं पे आएंगे और
ट्रांसफॉर्मर पे आएंगे तो हम एक दो को ट्रेन करके देख लेंगे कि इस तरह से ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग सेट किस तरह से बनाते हैं, फिर उसे रन किस तरह से करते हैं, फिर उसे टेस्ट किस तरह से करते हैं, वो सारी चीजें हम देख लेंगे। लेकिन ये अंदर से किस तरह से लर्न करके आ रहा है, उसकी इक्वेशंस क्या है, वो डीप लर्निंग के कोर्स में पढ़ी होंगी या अगले साल ऑफर होगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा। तो सीक्वेंस मॉडल इनकोडर डिकोडर, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ड्स इनकोडर और डिकोडर आगे भी इस्तेमाल होते हैं। तो मशीन ट्रांसलेशन में और दूसरी चीजों में ये इस्तेमाल इनकोडर डिकोडर मॉडल इस्तेमाल होता है कि आप इनकोड करेंगे और फिर डिकोड करेंगे। अच्छा, इसमें फिर बेसिक्स तो ये हो गई, अब इनको एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ चीजें ऐड की गई और उससे जिससे ये चीजें एफिशिएंट बनती गई। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोसेसिंग हर जगह पे देखें तो वन वे हो गई है। लेफ्ट पे आपने इट इज गुड मैंने कहा तो उसने इट को प्रोसेस किया, उस इंफॉर्मेशन को इस की तरफ पास किया और इट इज की इंफॉर्मेशन को गुड की तरफ पास किया। लेकिन क्या मैं इसे रिवर्स में चला सकता हूँ कि पहले गुड को प्रोसेस करता फिर इसको प्रोसेस करता फिर इट को प्रोसेस करता? मैंने क्यों लेफ्ट टू राइट क्यों गया, राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं आया, क्या उससे मुख्तलिफ रिजल्ट आते? तो लोगों ने इस पे भी तजुर्बा किया और बायडायरेक्शनल मॉडल बनाया। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मुझे कोई क्वेश्चन। अच्छा, तो इट इज गुड में हमने एक बायडायरेक्शनल मॉडल बनाया और उसमें डील कर लिया कि क्या हो रहा है। बायडायरेक्शनल मॉडल क्या है? अगर मैंने इट इज गुड लिखा था तो एक लेयर फॉरवर्ड लेयर ऐसी जा रही है, और ये पूरा आज की समझ में आने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तीन क्लासेस हैं, जो ये पांच स्लाइडें अभी जो मैंने दिखा रहा हूँ, पांच छह स्लाइडें, इनमें से मैं वही कह रहा हूँ हर दो या तीन स्लाइड मिलके एक तीन घंटे की क्लास बन रही है। तो बायडायरेक्शनल मॉडल में हम ये कहते थे कि सिर्फ लेफ्ट टू राइट प्रोसेसिंग नहीं करें, लेफ्ट टू राइट भी प्रोसेस करें, राइट टू लेफ्ट भी प्रोसेस करें, और फिर दोनों प्रोसेसिंग को एक्युमुलेट कर दें एक चीज में। तो फिर लोगों ने बायडायरेक्शनल मॉडल बनाने शुरू किए कि हो सकता है कि राइट टू लेफ्ट में हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हो, या बास केस में राइट टू लेफ्ट में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हो, बास में लेफ्ट टू राइट में ज्यादा रिजल्ट मिल रहे हो, एंड सो ऑन। तो लोगों ने बायडायरेक्शनल मॉडल बनाने शुरू कर दिए। फिर और क्या हुआ? फिर ये कहा कि जब हम इनकोडर डिकोडर मॉडल में खासतौर पर जाते हैं तो सिर्फ डिकोड करना जरूरी नहीं होता, बल्कि आपको डिकोड करते वक्त इनकोडर जो इनकोडिंग स्टेप्स हैं उनको आपको रिविजिट भी करना है। तो जब आप इनकोडर डिकोडर मॉडल जब यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखें तो लास्ट वाला रेड या मैरून से ब्लू पे चला गया, तो उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, वो आगे ही आगे जा रहा है। लेकिन अटेंशन मॉडल्स में ये कहा था कि आप अपनी इंफॉर्मेशन तो देखें लेकिन दूसरे वाले वर्ड्स के भी और पीछे वाले वर्ड्स की भी इंफॉर्मेशन देख लें। तो जब आप यहाँ पे डिकोड कर रहे होते हैं तो आप इस मरून बॉक्स को, यहाँ पे मरून डिकोडर है और ब्लू इनकोडर है, मरून बॉक्स को तो आप देख ही रहे हैं लेकिन पिछले इनकोडर बॉक्स वाले ब्लू बॉक्सेस को भी देख रहे हैं। तो ये कहलाता है अटेंशन, कि आप उनकी बेस पे भी फैसला कर रहे हैं। और इनमें से जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो वो लर्न कर रहा होता है, यानी वो खुद इस तरह की वैल्यूज लर्न कर रहा होता है कि इट आए, शी आए तो वर्ब को एज अ फेमिनिन, शी आए तो आप पढ़ती में ट्रांसलेट करना और ही आए तो आप पढ़ते में ट्रांसलेट करना, इस तरह की इंफॉर्मेशन वो खुद डील कर रहा होता है। सर मतलब ट्रांसफॉर्मर्स, ये इसीलिए मैंने अटेंशन से पहले क्लासिकल लिखा था कि ये आरएनएन के जमाने में ही आ गए थे अटेंशन, लेकिन ट्रांसफॉर्मर ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, यानी उसकी तो बेस में ही यह है, वरना ये साइड में आरएनएन में भी आ गए थे। अब बस अगली चीज है ट्रांसफॉर्मर, उससे पहले एक और चीज देख लें कि लेयर्स, अक्सर जब आपको ये वाली एग्जाम्पल दी जाती है तो जब समझाने के लिए दी जाती है, असल जो डीप लर्निंग सिस्टम होते हैं उसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, इसमें दो लेयर्स हैं, इसमें भी दो लेयर्स हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम्स में 20 लेयर्स, 40 लेयर, 200 लेयर्स आपको ये मिलेंगे। तो लेयर्स सिर्फ जाहिर है एक
स्लाइड में आप दो एक लेयर या दो लेयर ही बना सकते हैं, लेकिन असल में बहुत ज्यादा होंगे। तो ये था अटेंशन 2.5 साल पहले तक या 3 साल पहले तक अगर आप होते तो बस यहाँ पे डीप एनएलपी खत्म हो जाती थी और यही बेहतरीन रिजल्ट देते थे। फिर उन्होंने कहा कि आरएनएन के साथ कुछ मसले हैं, आरएनएन के साथ क्या मसले हैं, और अटेंशन और ट्रांसफार्मर ने उस मसले को सॉल्व किया कि यह अभी पैरेलल सिस्टम नहीं चल रहा है। आरएनएन के साथ दो मसले थे, एक तो ये कि लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसी डील नहीं होती, उसके लिए उन्होंने अटेंशन लेके आया कि अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं कि शी इज राइटिंग या ही इज राइटिंग दोनों में, तो राइट और शी के दरमियान में रिलेशन है कि आपको रही है करना है अगर शी है, और रहा करना है अगर रही है, तो ये इससे इमीडिएटली पीछे नहीं है, वो काफी पीछे है। उसके देखने के लिए आरएनएन में कोई डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं था और वो बार दफा अच्छे रिजल्ट नहीं देता था, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस डिपेंडेंसीज का एक मसला था। दूसरा मसला ये था कि आरएनएन पैरेलल सिस्टम नहीं है, जो सबसे बड़ा मसला था। पैरेलल क्यों नहीं है कि आप पहला वर्ड प्रोसेस करते हैं, उसके बाद दूसरा वर्ड प्रोसेस करते हैं, उसके बाद तीसरा प्रोसेस करते हैं। डीप लर्निंग में मैंने कहा कि वो रिजल्ट बहुत अच्छा चलते हैं कि आपके पास 500 कोर का जीपीयू आ गया, आपके पास 250 कोर का जीपीयू आ गया। अब 250 कोर का मतलब है आप 250 थ्रेड्स पैरेलल में चला सकते हैं, लेकिन आरएनएन पैरेलल में तो चल ही नहीं सकता। जब आप पहला वर्ड प्रोसेस करेंगे तो दूसरा वर्ड प्रोसेस होगा, दूसरा वर्ड प्रोसेस करेंगे तो तीसरा वर्ड। तो जीपीयू पे आरएनएन की रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते थे, उसके मुकाबले में विजन में, कंप्यूटर विजन में CNN यूज होते थे, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, और उसका पैरेलल आर्किटेक्चर था, इसीलिए विजन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते थे, उसके मुकाबले में NLP के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते थे। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ट्रांसफॉर्मर्स ने, जो शायद 2-3 साल पुरानी ही चीज है, मैं लिखना भूल गया। ट्रांसफॉर्मर में एक ये है कि अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये वो पेपर था जिस पेपर का टाइटल था जो जिसने ट्रांसफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और इसमें सेल्फ अटेंशन है। सेल्फ अटेंशन क्या है, यहाँ पे आप देखें अटेंशन सेल्फ नहीं है, इन डिकोडर जो है वो इनकोडर के जो बॉक्सेस हैं उनको अटेंड कर रहा है, यानी उनको यूज कर रहा है। सेल्फ अटेंशन क्या होती है, सेल्फ अटेंशन अगर आप यहाँ पे देखें तो E1 जो है वो एक सेंटेंस है, E1 से EN तक, E1 जो है वो E2 और E3 से अटेंशन ले रहा है या उनके अटेंशन के बेस पर फैसले कर रहा है। E2 जो है वो E1, E3, E4, E5, EN की बेस पर फैसला कर रहा है। तो सेंटेंस के अंदर ही अटेंशन होनी शुरू हो गई। इनकोडर डिकोडर मॉडल में जिसे मैंने क्लासिकल अटेंशन कहा था, उसमें डिकोडर जो है वो इनकोडर के वर्ड्स पे या उसके टोकन पे अटेंशन अप्लाई कर रहा होता था, और ये सेल्फ अटेंशन है कि वो एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस अपने ही वर्ड्स पे अटेंशन अप्लाई कर रहा है। तो अटेंशन एक इंट्रोडक्शन आई। ट्रांसफर लर्निंग वो बहुत पावरफुल, क्योंकि डीप लर्निंग का नुकसान ये है कि आपको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, आपको थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए, आपको मिलियंस बल्कि बिलियंस ऑफ एग्जाम्पल चाहिए जब डीप लर्निंग अच्छी चलेगी। तो बिलियंस के आप बैठ के बिलियंस चीजें टैग कर सकते हैं कि 1 करोड़ चीजें, बिलियन को छोड़ें 1 करोड़ या 10 करोड़ चीजें टैग कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव कमेंट था, ये नेगेटिव कमेंट था, ये वर्ब था, ये नाउन था, ये एडजेक्टिव था। तो बहुत ज्यादा चीजें टैग करना, एनोटेट करना पॉसिबल नहीं था। ट्रांसफर लर्निंग ने हमें इससे बचा। फायदा इसने पैरलाइजेशन से कह दिया कि ये पैरेलल आर्किटेक्चर, अभी मैं तस्वीर में दिखा देता हूँ। और फिर ये जो इस्तेमाल हो रहा है आजकल के जो मोस्ट हॉट वर्ड्स हैं दो डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, डीप लर्निंग में, BERT और GPT, दोनों का टी जो है ना, टी फॉर ट्रांसफॉर्मर, इन दोनों में BERT भी ट्रांसफॉर्मर है और GPT का टी, ये दोनों ट्रांसफॉर्मर हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर के अस्तर से आप ये देख लें, E1 ने ये सारी चीजें एक साथ प्रोसेस हुई, E2 एक कोर पे आपने E1 भेज दिया, दूसरे कोर पे आपने E2 भेज दिया, तीसरे कोर पे आपने E3 भेज दिया, एक पे आपने E9 भेज दिया, आपके पास 256 कोर का GPU मौजूद है, तो 256 वर्ड्स आपने पैरेलल प्रोसेस कर लिए। ये प्रोसेस करके ऊपर वाली लेयर पे आए, ऊपर वाली लेयर में फिर वही चीज अप्लाई हो रही है कि पहला बॉक्स, पहला ओवल एक कोर पे चला गया, दूसरा ओवल दूसरे कोर पे चला गया।
तो अगर आपने 256 करेक्टर वर्ड्स का या टोकन्स का पैराग्राफ भी भेजा है तो वो पैरेलल एक साथ प्रोसेस हो जाएगा। ये नहीं होगा कि पहला वर्ड प्रोसेस हुआ फिर दूसरा वर्ड हुआ फिर दो बहुत देर बाद 256 की बारी आई। तो ट्रांसफॉर्मर का एक फायदा ये पैरेलल एल्गोरिथम है, जीपीयू पे बहुत फास्ट चल जाता है, और आरएनएन पैरेलल नहीं है तो जीपीयू यूज करने का कोई खास फायदा आरएनएन पे नहीं मिलता है। तो बर्ट और जीपीटी हम इसे डिटेल में देखेंगे, ये इनके नाम है। अच्छा, फायदा जो है ट्रांसफर लर्निंग का, और शायद ये एक वजह है जो मैं, या एक बड़ी वजह है जो ट्रांसफर लर्निंग, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को डीप लर्निंग पढ़ लेनी चाहिए एनएलपी के कोर्स में, क्योंकि इसके जरिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत आसान हो जाती है। ट्रांसफर लर्निंग का आइडिया ये है कि ये भी विजन में जो चीज़ पहले इस्तेमाल हुई, एनएलपी में ये बाद में आई, कि आपने फॉर एग्जाम्पल विजन से स्टार्ट करते हैं कि गूगल के पास बहुत सारे इमेजेस मौजूद थे और उसने बहुत सारी चीज़ों की तस्वीरें, उसके पास डेस्क की तस्वीर थी, मोबाइल फ़ोन की तस्वीर थी, लैपटॉप की तस्वीर थी, कार की तस्वीर थी, और बहुत इन चीज़ों की तस्वीर थी। उसने उसके रिकॉग्नाइजिंग सिस्टम बना दिए कि वो कार को कार कह दे, मोबाइल फ़ोन को मोबाइल कह दे, ह्यूमन को ह्यूमन कह दे, लैपटॉप को लैपटॉप कह दे। अच्छा, हम वो सिस्टम बनाने लगे तो हमें, हमारे पास क्लासिकली कुछ ऐसे सिस्टम्स तस्वीरें थी जो वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे कालीनों के डिज़ाइन अलग होते हैं, हुक्का या शीशा रखा हुआ है वो अलग चीज़ है, हमारे जग्स के डिज़ाइन अलग होते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद उनके सिस्टम्स में इतनी इस्तेमाल नहीं होती। अब उसके लिए फिर ट्रेनिंग किस तरह से की जाए, एक तो ये है कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स करें और उसमें जाके ऐड कर दें, दूसरा यह है कि वो ये कहता है कि आपने एक सिस्टम बना लिया। डीप लर्निंग करती क्या है, डीप लर्निंग डीप है। अच्छा, डीप लर्निंग का एक फायदा यह है कि डीप लर्निंग डीप एनालिसिस करती है, और बल्कि ट्रांसफर लर्निंग से पहले आपको ये बात एक्सप्लेन हो जानी चाहिए कि डीप लर्निंग का एक एडवांटेज ये भी है कि आपको फीचर्स नहीं बनाने पड़ते। मैं ये कह रहा था कि एक पूरी क्लास मैं लूंगा फीचर क्रिएशन पर, और एनएलपी पढ़ने का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको फीचर्स अच्छे बनाने आ जाए। अगर फीचर्स अच्छे बनाने आ जाए तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स आपके पास अवेलेबल हैं, वो ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, बस आप उसे यूज करें, दो तीन लाइनें लिखनी होती हैं, वरना ड्रैग एंड ड्रॉप वाले सिस्टम्स भी मौजूद हैं, आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें और वो काम करा दें। जो जहानत क्लासिकल मशीन लर्निंग में चाहिए होती है कि आप फीचर्स कितने अच्छे बना दें, डीप लर्निंग ये कहता है कि फीचर भी मैं बना लूंगा। आप इन एंड टू एंड सिस्टम है, आप इनपुट बताएं आउटपुट बताएं, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग किस तरह से करनी है, इवन टोकनाइजेशन किस तरह से करनी है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग किस तरह से करनी है, सिंटैक्स एनालिसिस किस तरह से करना है, ये डीप लर्निंग की डिफरेंट लेयर्स ऑटोमेटिकली खुद ही लर्न कर लेंगी, कौन सी चीज नेम्ड एंटिटी है नहीं है ये भी वो लेयर्स खुद एंटर खुद लर्न कर लेंगी। आप इनपुट दें और आउटपुट बताएं कि ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, इस तरह की बहुत सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स दे दें, बीच वाले फीचर्स लेयर्स जो है वो फीचर्स को ऑटोमेटिकली लर्न कर लेंगी। तो डीप लर्निंग से हमें एंड टू एंड सिस्टम बन जाते हैं जिसके लिए पूरे लिंग्विस्टिक एनालिसिस की जरूरत नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब आपको लिंग्विस्टिक एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए लिंग्विस्टिक एनालिसिस का काम कम से कम हो रहा है। लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं, वही जो मैंने कहा कि तोप को मक्खी को तोप से नहीं मारना चाहिए, अगर कुछ चीज रेगुलर एक्सप्रेशन से सॉल्व हो जाती है तो आपको उस पर बर्ट या जीपीटी नहीं लगाएंगे, उसे रेगुलर एक्सप्रेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो इस वजह से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका देते हैं कि बास चीज़ें इससे आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, बास चीज़ें अभी भी डीप लर्निंग के कंट्रोल में नहीं आएंगे एंड टू एंड सिस्टम में, जिस में फीचर्स आपको नहीं बनाने पड़ते, डीप लर्निंग डीप न्यूरल नेटवर्क खुद लर्न करते हैं तो वो डील हो जाएगी। तो ये फीचर्स खुद बना रहे होते हैं। तो अब आपने कोई नई चीज़ इनपुट दी, एक तांगा इनपुट दे दिया और वहाँ पे तांगा नहीं होता, या एग्जाम्पल सेट्स में तांगा नहीं था, तो उसको उसने कंपोनेंट्स में तोड़ना, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को मिलाकर एक व्हील बन रहा है, एक रॉड बन रही है, वो बनाना, ये सिस्टम ने पहले से लर्न किया हुआ है। तो अगर 20 लेयर का न्यूरल नेटवर्क है, डीप न्यूरल नेटवर्क है, तो 18 लेयर्स वैसी रहती हैं, आखिरी एक दो लेयर्स को आपको दोबारा से लर्न करवाना पड़ता है। तो छोटे छोटे फीचर्स में चेंज करना, उन फीचर्स को मिला के नए
में तब्दील करना एक चीज हो जाती है, तो आपके पास एक बहुत बड़ा डोमेन है, उस डोमेन पे आपने ट्रेन कर दिया, इमेज नेट गूगल ने या किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, और उसके बाद उससे उसने विजन के फीचर्स बनाना सीख लिए हैं। अब आपके पास नई तरह की एग्जाम्पल्स आई जो ओरिजिनल इमेज नेट में मौजूद नहीं थी, तो सिर्फ आप वो एग्जाम्पल्स इनपुट दें पुराने वाले ट्रेन सिस्टम पे, जो इमेज नेट पे जो 2000 किस्म के इमेजेस पर, 2000 क्लासेस के 2 बिलियन इमेजेस पर अगर वो जो ट्रेन हुआ हुआ है उसको आपने 2 नई क्लासेस के 2000 एग्जाम्पल्स दे दी, वो उस पर भी ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि पहले से उसने फीचर्स बनाना उन 2 बिलियन एग्जाम्पल्स से सीखे हुए। ये ट्रांसफर लर्निंग है और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपसे कहूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बनाना है, और पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बनाना है डीप लर्निंग के थ्रू, और उसके लिए आप ऐसा करें कि 1 बिलियन वर्ड्स या 10 मिलियन वर्ड्स, 1 करोड़ वर्ड टैग करके ले आए। तो ये 3 साल का तो प्रोजेक्ट यही हो गया कि 1 करोड़ वर्ड्स हाथ से टैग किस तरह से होंगे ट्रेनिंग के लिए। तो उसका सलूशन ये होता है कि एक प्री ट्रेन सिस्टम्स होते हैं, और उसका प्री ट्रेन सिस्टम्स जो बर्ट ने, जो बर्ट पहला सिस्टम था ऐसा ट्रांसफर लर्निंग से, ये दिया कि इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी सेम चीज दे दी। इट इज गुड इनपुट पे भी दिया, इट इज गुड आउटपुट पे भी दिया, आई एम रीडिंग अ बुक इनपुट पे भी दिया, आई एम रीडिंग अ बुक आउटपुट पे भी दिया, और उसके बाद ट्रेन करना शुरू कर दिया कि आई एम रीडिंग अ बुक को वो इनकोडर जो है वो फीचर्स में कन्वर्ट करेगा, और डिकोडर उसे वापस आई एम रीडिंग में डिकोड कर देगा। तो उसने आई एम रीडिंग को इनकोड करना सीख लिया। आपके पास रॉ टेक्स्ट तो बहुत होगा, बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे, आपने बस सेंटेंस पे सेंटेंस देते गए, वो इनकोडर उसे इनकोड करना और डिकोडर उसे अपने आप में डिकोड करना सीखना पड़ा, तो आपको हाथ से कोई एनोटेशन या टैगिंग नहीं करनी पड़ी। बाद में आपने ये किया जब वो ट्रेन अच्छी तरह से हो गया कि आप यहाँ पे आई एम रीडिंग अ बुक देते हैं और वो आउटपुट भी आई एम रीडिंग अ बुक ही करता है, तो आपने डिकोडर उठा के बाहर फेंक दिया, इनकोडर जो है वो आपको मिल गया कि जो आप वर्ड देते हैं वो उसे नंबर्स में इनकोड कर देता है। तो ये आपका इनकोडर मिल गया कि ये इसे फीचर्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एक प्री ट्रेन मॉडल हो जाता है ट्रांसफर लर्निंग का। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो या तो क्वेश्चन में दोबारा पूछ लीजिएगा, बाद में दोबारा पूछ लीजिएगा, या उसमें हम बहुत डिटेल में देंगे, क्योंकि सक्सेस ऑफ बर्ट जीपीटी और मॉडर्न सिस्टम यही कॉन्सेप्ट है कि आपने सिंपल वर्ड्स एक पहले प्री ट्रेन मॉडल बना दिया, वर्ड्स आपने जो सेंटेंसेस थे उन्हीं को इको करके उसको इनकोड करना, उसने सेंटेंस को इनकोड करना और डिकोड करना सीख लिया, फिर डिकोडर उठा के बाहर फेंक दिया और इनकोडर बचा के रखा, और उस इनकोडर के ऊपर फिर पार्ट ऑफ स्पीच टैगर बना दिया। तो उसने इनकोड करना तो सीख ही लिया था वर्ड्स को, फिर उस पर पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग के लिए आप उसे 2000 एग्जाम्पल दे दें, 10000 एग्जाम्पल दे दें, उस पर ही लर्न कर लेगा, आपको 1 करोड़ एग्जाम्पल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्री ट्रेन मॉडल्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश के लिए अवेलेबल हैं, इन अगर विकिपीडिया अवेलेबल होता है तो ये सब लोग ये करते हैं कि उर्दू का विकिपीडिया उठाया उस पर ट्रेन कर दिया, अरबी का विकिपीडिया उठाया उस पर ट्रेन कर दिया, तो उर्दू का भी अवेलेबल है। ये अलग बात है कि विकिपीडिया की लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती कि आप डील कर सकें, और बहुत सारे अवेलेबल हैं, कॉमन क्रॉल पे अवेलेबल है। 4.5 बिलियन ट्रिलियन जीबी का एक डाटा सेट मौजूद है जो इसने इंटरनेट को, पूरे इंटरनेट को क्रॉल करके रखा हुआ है, कॉमन क्रॉल पूरे वर्ल्ड वाइड वेब को, और उसमें इंग्लिश भी होगी, उसमें उर्दू भी होगी, उसमें रोमन उर्दू भी होगी, उसमें फारसी भी होगी, तो उस पर भी सिस्टम ट्रेन किए हुए रखे हुए। तो अगर प्री ट्रेन सिस्टम मौजूद है उसकी आखिरी वाली लेयर को आपको दोबारा से ट्रेन करना। तो इस तरह से जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है कि आपको एक आईसी मिल गई है उसके ऊपर आपने 1-2 कंपोनेंट्स और लगा दिए, तो ये भी प्री ट्रेन मॉडल्स अवेलेबल हैं बहुत सारे, और उनके ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम की थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स दे दें ट्रेन करके। इवन कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि फ्यू एग्जाम्पल्स दे दें, फ्यू शॉट में 0 शॉट 1 शॉट और फ्यू शॉट ये कह रहा है कि 10 एग्जाम्पल्स भी दे लें तो उस पर लर्न करना शुरू कर जाए। तो सबसे ज्यादा चैलेंज एक्साइटिंग चीज यही है कि डीप एनएलपी बार दफा आपको सलूशन इतनी जल्दी दे देगा कि आपको पीछे वाली सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं हो। इस वजह से हम थोड़ा सा ये वाला, इसमें थ्योरी कम है लेकिन
एप्लीकेशन ज्यादा है कि आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे कि प्री ट्रेन मॉडल को डील कर सकें, प्री ट्रेन मॉडल को यूज कर सकें। ये कैसे पार्ट चलता है, ये हो गया, ये मेरे ख्याल में मैं स्किप कर रहा हूँ। हम क्या क्या कर सकते हैं इसे घर जाके, घर में तो आप मौजूद ही हैं, क्लास के बाद सुकून से देख लीजिएगा कि अभी तक मैंने जो एग्जांपल्स दी थी, क्लासिकली तो हम पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग कर रहे हैं, नेम एंटिटी रिकग्निशन कर रहे हैं क्लास, या ज्यादा से ज्यादा हम मुख्तलिफ टाइप की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब सेंटेंस प्रोसेसिंग पर जनरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एवेल्युएशन टास्क, कुछ ये टास्क भी थे जो बर्ट या मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर्स या मॉडर्न डीप लर्निंग सिस्टम्स सॉल्व कर रहे होते। इसमें से ये भी होता है कि क्या अगर मैं ये कहता हूँ इम्प्लीकेशंस, आप बता रहे हैं कि इट इज रेनिंग और रोड्स आर वेट, तो क्या सेकंड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इम्प्लाई करता है सेकंड सेंटेंस पर, और इट इज रेनिंग और देयर इज अ मैच इन द स्टेडियम, या चलें देयर इज अ मैच तो हो जाएगा, इट इज रेनिंग एंड आई ईट अ बर्गर, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इट इज रेनिंग एंड द रोड इज वेट, इसमें एक रिलेशन मौजूद है। तो हम ये बता दें कि पहले सेंटेंस इम्प्लाई करता है दूसरे सेंटेंस को या नहीं करता। इट इज रेनिंग इम्प्लाई करता है रोड इज वेट को, इट इज रेनिंग इम्प्लाई नहीं करता आई ईट अ बर्गर को। तो ये दो अलग चीजें हैं, और इट इज रेनिंग एंड रोड्स आर नॉट वेट, ये रॉन्ग है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये थ्री वे क्लासिफिकेशन होती है। तो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग टास्क पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, और ये टास्क ऐसे हैं जो मॉडर्न सिस्टम से कहा जाता है कि इन्हें डील करें। इन्हें चारों को मिला के ग्लू कहते हैं, जनरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग इवेल्युएशन। तो आप ये देख लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि इनमें से कुछ सिस्टम्स बनाने की कोशिश करें। जैसे नंबर थ्री पे पैराफ्रेज है, आई बॉट अ मोबाइल फोन, मैं ये कह दूं, या आई पेड फॉर अ मोबाइल फोन कह दूं, तो क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब यह अभी थोड़ी देर पहले वो बात कहा था, खूबसूरत और हसीन जो है वो दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो पैराफ्रेजिंग डील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें डील करनी है। तो दो सेंटेंसेस को कंपेयर करना है और उनको कंपेयर करके बताना है कि ये इन पे ऑपरेटर इस हिसाब से ये सिमिलर है या नहीं है। तो सेंटेंस प्रोसेसिंग ज्यादा बढ़ गई है। बर्ट और जीपीटी पे हम दोबारा से आ गए हैं, जो बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं और हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सिस्टम पर मैं इसके डिटेल पे नहीं जा रहा कि इन दोनों में क्या फर्क है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि इन दोनों पिक्चर्स में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है। नेक्स्ट टाइम पूछूंगा ये आप अपने आपको सवाल, या तीन चार दिन में बाद में गूगल क्लासरूम पे आपको बता दूंगा कि इन दोनों की एप्लीकेशन दो अलग अलग डोमेन में होती है, इनके स्ट्रक्चर का फर्क है। तो इन दोनों में क्या फर्क है स्ट्रक्चर का, कि बर्ड जो इस्तेमाल होता है वो क्लासिफिकेशन टाइप के एग्जाम्पल में होता है कि E1 की टाइप क्या है और E2 की टाइप क्या है, और GPT जो है वो जनरेट कर रहा होता है। E1, E2, E3 मिलकर, फिर EN मिलकर EN+1 जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये दो सिस्टम्स हैं, और इनके प्री ट्रेंड सिस्टम अवेलेबल हैं। तो आप इनके ऊपर आप अपनी प्रॉब्लम, आप 1000 एग्जाम्पल्स का, 5000 एग्जाम्पल्स का डेटा सेट बनाएं और बर्ट के आखिरी लेयर पे अप्लाई कर दें, या GPT के आखिरी लेयर GPT पे अप्लाई करने का एक और तरीका होता है, बर्ट के लेयर पे अप्लाई कर दें तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो एक टास्क प्रोजेक्ट में ये होगा कि आपने एक चीज का क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था छोटे से डेटा सेट बनाकर, और उसका फिर आपने प्री ट्रेंड मॉडल को उठा लिया बर्ट डीप लर्निंग का, और फिर ट्रांसफर लर्निंग से वही एग्जांपल्स दिए और देखा कि उससे कितने अच्छे रिजल्ट्स आए, तो उसे आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ये नए सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम है, क्यों हॉट चल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम हो रही है, और NLP आजकल कितनी हॉट जा रही है, कि मुझे ये भी नहीं पता कि 4 महीने का कोर्स है, हो सकता है कि जब हम 3 महीने बाद पहुंचे तो हमें एक चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाना पड़े, क्योंकि NLP में एक नया करंट मॉडल आ गया हो जो इन सबसे अच्छा हो। अक्टूबर 2018 में बर्ट लार्ज लॉन्च किया था गूगल ने, इसमें 355 वेट्स थे, मिलियन वेट्स थे,
अगर आपको न्यूरल नेटवर्क देखा हुआ हो तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो एरो जा रहा होता है वो एक वेट होता है। तो इसमें 355 मिलियन ऐसे वेट्स थे जो ट्रेन करता था, और इसमें 250 बिलियन टोकन्स पर, और इसके टोकन नॉर्मली वर्ड नहीं होते बल्कि सब यूनिट होते हैं, बुक अलग होगा और एस अलग होगा, बुकिंग में बुक अलग होगा और आईएनजी अलग होगा। तो 250 बिलियन टोकन पे ये ट्रेन हुआ था जुलाई 2019 में। सर ये लोड कर दी जाएगी, गूगल क्लास ये लोड कर दी जाएगी। अच्छा ये लोड कर दूंगा मैं, और ये मैंने गूगल क्लासरूम का कोड आपसे शेयर किया है तो सबको मिल गया है। थोड़ा ज़ूम कर दे सर। नहीं मैंने चैट में शेयर किया था। अच्छा अच्छा ठीक है, चैट से कॉपी करके आप इस पे रजिस्टर हो जाए तो मैं इस पे लोड कर दूंगा। ठीक है थैंक यू। ठीक है, तो ये दिखाने का मकसद यह है कि काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है और प्री ट्रेंड मॉडल्स हमें यूज करने, फायदा और नुकसान दोनों है। ये इतना बड़ा काम है कि हम लोग अपनी लैब में ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जीपीयू, वो जो मैंने कहा कि 200 साल अगर हमारे पास जो जीपीयू मौजूद है उस पर ये ट्रेन करने बैठेंगे तो 200 साल लगेंगे बर्ड को अगर हम ट्रेन करने बैठेंगे। गूगल के पास थाउजेंड्स ऑफ जीपीयूज थे तो इसलिए उसने कर लिया। फिर रॉबर्टा लार्ट, ये बर्ड की एक टाइप है, इसने ट्रेन किया लेकिन 2000 बिलियन टोकन्स पर, यानी 2 ट्रिलियन टोकन्स पर। अब ये ट्रिलियन से कम की आजकल अब बात ही नहीं होती है। फिर माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया, इसमें 355 मिलियन वेट्स थे। माइक्रोसॉफ्ट जुलाई 2009 फरवरी 2020 में माइक्रोसॉफ्ट लेकर आया, उसमें 1700 मिलियन या 17 बिलियन अपने वेट्स थे, यानी उसमें आपको ये 1700 मिलियन वेट्स लर्न करने होते हैं। अगर आपने डीप लर्निंग पढ़ी हुई है तो ये सोच लेंगे इतने ज़्यादा है। फिर जीपीटी जो आया है ओपन एआई वालों ने, एलन मस्क की कंपनी है, उसने इसमें 175 बिलियन, यानी फरवरी से मई तक आते आते सिस्टम जो है ना वो 10 गुना बड़ा हो गया। माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया था उस वक्त ही लोग परेशान हो गए थे कि 355 से आप 17,000 पे चले गए, ये और फिर 17,000 से दो तीन महीने में 174,600 पे आ गए, 175 बिलियन पे आ गए। और उसके बाद मई के बाद जून में गूगल ने जनरेट जो किया वो 600 मशीन ट्रांसलेशन में यूज किया है 600 बिलियन वाला, यानी फिर 3 times बड़ा सिस्टम जनरेट कर दिया। तो 4 महीने बाद हो सकता है हमारे पास 1 ट्रिलियन वाला सिस्टम मौजूद हो जब हम एनएलपी का कोर्स खत्म कर रहे हैं। तो इतनी तेजी से चेंज आ रही है, और इंसानी दिमाग में 4 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं, तो ये कनेक्शंस अब उतने कनेक्शंस बनते जा रहे हैं जितने इंसानी दिमाग में होते हैं। तो जिस तरह से ये बढ़ रहा है, हो सकता है कि ये कोर्स खत्म होते होते था 1 ट्रिलियन तक, और 2022 में 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन वाले सिस्टम्स हमारे पास मौजूद हों, इतने ज्यादा वेट्स वाले। और ये सारे काम पर ये जाइंट्स ही कर सकते हैं, इतने बड़े सिस्टम को ट्रेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमारे लिए पॉसिबल फिर वही होता है जो ट्रांसफर लर्निंग वाली है, कि उन्होंने बर्ड रिलीज कर दिया है, जीपीटी उन्होंने उस पर रिलीज किया है, मतलब क्लाउड पर रिलीज किया है, और आपको उसके पेमेंट करनी पड़ेगी। रिलीज कर लिया तो उसके ऊपर अपनी सिस्टम बनाए, दोनों चीजें हैं, आप चाहें तो। लेकिन शायद बर्ड उर्दू, सिर्फ ऐसा बर्ड बनाए जो सिर्फ उर्दू पे चल रहा हो, वो ऐसा बर्ड बनाए जो सिर्फ पाकिस्तानी टच, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे वो रोमन उर्दू में हो, उस पर चल रहा हो, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर शायद ये है कि आप ये प्री ट्रेन सिस्टम्स उठाएं और उसे यूज करें। और जब मैं डिस्कस करूंगा कि कुछ रिजल्ट्स होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, यानी हगिंग फेस अगर आपने देखा हो तो उसके क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स मौजूद हैं कुछ, और उसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर जीरो शॉट लर्निंग दुनिया जब जा रही है, अभी तो हम कह रहे हैं ना कि थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स दें, मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल्स दें,
स्टार्ट ये हुआ था कि आप थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं मशीन लर्निंग में, फिर ये कहता है कि मिलियंस ऑफ एग्जांपल्स ने डीप लर्निंग ने कहना शुरू कर दिया, फिर ये है ट्रांसफर लर्निंग, फिर कह देता है कि चले आप थाउजेंड्स ऑफ पे वापस आ जाए। जीरो शॉट और वन शॉट और टू शॉट लर्निंग ये कह रहा है कि जीरो शॉट कह रहा है कि आप एक एग्जाम्पल भी ना दें, लेकिन उसने लैंग्वेज समझ ली है तो वो ये ऑटोमेटिकली वो काम ऐसा भी काम कर लेगा जिस काम के लिए स्पेसिफिकली उसे ट्रेन नहीं किया है। कैसे, ये एक पूरी कहानी है। जब इसीलिए मैंने एप्लीकेशंस के दो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन थ्री देखें, दो वीक सके हैं कि हम ट्रांसफॉर्मर को किस किस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। या आप सिर्फ 10 एग्जाम्पल्स दे दें तो 10 एग्जाम्पल्स पे वो लर्न कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले से 300 बिलियन टोकन्स पर या 2000 बिलियन टोकन्स पर, 2 ट्रिलियन टोकन्स पर और 175 ट्रिलियन वेट्स उसने लर्न किए हुए हैं, तो उसे लैंग्वेज पहले से ही आती है। तो आप उसे थोड़ी सी एग्जाम्पल देंगे और वो समझ जाएगा। तो ये काम प्री ट्रेंड डीप लर्निंग में, हमारा जो असल काम है वो ये है कि प्री ट्रेंड को इस्तेमाल करना सीख लें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये आपको फौरन सोल्यूशन दे देगा, क्विक सोल्यूशन। ये एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपको ये फौरन सोल्यूशन दे देगा। अगर ये सोल्यूशन नहीं है तो फिर हमें लो लेवल लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा कभी ना कभी। इसीलिए हम लिंग्विस्टिक एनालिसिस भी पढ़ते हैं, फीचर क्रिएशन भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल के दौर के 50% प्रॉब्लम में या 1/3 प्रॉब्लम में आपको क्विक सोल्यूशन दे देगा। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा, इसकी एकेडमिक वैल्यू उतनी नहीं है जितनी इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। बस ये हो गया खत्म। लास्ट वीक है लिंग्विस्टिक एनालिसिस, आजकल बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है तो इसे बस हम दो क्लासेस में डील करेंगे। क्लासिकल मशीन लर्निंग जिसके में फीचर क्रिएशन होती है और मशीन लर्निंग कैसे अप्लाई होती है, इसी खास एप्लीकेशन सेंटिमेंट एनालिसिस है, ऑथर आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो है ये हम इसमें देखेंगे। बल्कि इसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग और नेम एंटिटी रिकग्निशन भी देखनी होगी कि मशीन लर्निंग अप्रोच से किस तरह से, क्लासिकल मशीन लर्निंग अप्रोच से किस तरह से चलती है। फिर डीप लर्निंग में हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम खर्च करेंगे ताकि हम इसकी एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी एप्लीकेशंस बनाने में कामयाब हो सके। और फिर ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी आजकल डायरेक्ट एप्लीकेशंस नहीं है, तो ये आखिर में पढ़ रहे हैं तो ये आपके प्रोजेक्ट में काम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप थीसिस कर रहे होंगे या रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो ये चीजें जानेंगे तो हो सकता है रिजल्ट बेहतर हो जाए। रिकैप अगर इसके बाद, रिकैप इसलिए था कि ये सुनने के बाद आपके पास अगर कोई आइडियाज हैं तो या इसके इन चीजों के मुताबिक अगर कोई सवाल करना है। प्रोजेक्ट फिर मैंने कह दिया कि दो असाइनमेंट्स मिलते जाएंगे कि आपको एक सिंपल सा, नॉर्मली मैं असाइनमेंट ये देता हूँ कि आधा कोड लिख देता हूँ और कहता हूँ इस कोड को कंप्लीट कर दें, या कॉर्पस लोड करने का कोड लिख दिया अब आप इसको क्लासिफाई कर दें या इसको चेंज कर दें, इसमें अभी इस तरह के फीचर्स थे इसमें प्रीवियस वर्ड भी ऐड कर दें, अभी तक करंट वर्ड पे चल रहा था अभी प्रीवियस वर्ड भी ऐड कर दें। तो नॉर्मली असाइनमेंट्स में मैं कुछ पार्ट आधा या 1/3 लिख देता हूँ और बाकी कहता हूँ कि बाकी आधा या बाकी 2/3 आपको डील कर लें, उसको इन्हांस करके प्रोजेक्ट में बना लें। और प्रोजेक्ट जो सोचें, मैं एक लिस्ट कल पर नेक्स्ट क्लास तक देख लूंगा, आप भी सोच लें कि क्या क्या है, उसको हम दोनों तरीकों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्लासिकल मशीन लर्निंग से या और फिर डीप लर्निंग से। अगर आपको क्लासिकल लिंग्विस्टिक एनालिसिस से सॉल्व करने का कोई किसी के पास यूनिक आइडिया है तो वो डिस्कस कर लें। अच्छा, एंड टू एंड, ये एंड टू एंड वाले सिस्टम्स हैं तो आपको ये भी सोचना है डीप लर्निंग में कि एंड टू एंड सिस्टम आपको क्या बनाने, कि मैं क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आ जाए, मुझे ये सोचने नहीं पड़े कि पार्ट ऑफ स्पीच टैगर मेरे पास है या नहीं है या नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजर मेरे पास है या नहीं है। तो ये भी सोच, एक काम ये भी है मैंने शुरू किया था कि आप, मैंने अभी 4 एप्लीकेशंस लिखी हैं, आप सोचें कि कितनी एप्लीकेशंस हो सकती हैं जिसमें लैंग्वेज ज्यादा इनपुट आ रही है और लैंग्वेज और आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है, या आप कोई इनपुट दे रहे हैं टेक्स्ट फॉर्म डिजिटल फॉर्म में और उससे आपको लैंग्वेज ऐसा आउटपुट मिल रही है। तो
एक लिस्ट बनाने की कोशिश करें कि आप कितनी लिस्ट बना सकते हैं। तो आज का ये खत्म हो गया, इस पे रजिस्टर कर दें। तो आज मैं बस क्लास खत्म करके ये ऐड कर ही दूंगा आप लोगों का। अभी तक कोई ऐड नहीं हुआ है, नहीं हो गए, बहुत सारे लोग। और क्या चीज है, अगर नहीं मिले तो tafseer.ahmed@ आपके पास ये एड्रेस तो ऐड जिनाब पे लिख दीजिएगा, मैं आपको ये भेज दूंगा क्लास कोड। असाइनमेंट्स वगैरह नॉर्मली इसी पे मिलेंगे। फिर और कुछ नहीं। अच्छा, अटेंडेंस मेरा पहला ऑनलाइन सेशन है ऑफिशियली, तो अटेंडेंस इस पे से काउंट हो जाएगी या मुझे लेनी है, क्या होता है? अटेंडेंस जो है ये सर हम चैट पे लिख देते हैं। चैट पे लिख देते हैं जी। हाँ, या तो ये आप करेंगे चैट पे सब लोग अपने नाम लिख दें वन बाय वन, और मैं बाद में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बेस्ट कंप्यूटर साइंस अप्रोच यही है। या अच्छा, मेरा ख्याल था कि डिजिटल सिस्टम है तो वो ये ट्रैक कर ही सकता है। ऑनलाइन खोल लूंगा। अटेंडेंस मैनेजमेंट, अटेंडेंस शीट, क्लास अटेंडेंस, पहले वाले सेक्शन की। अच्छा चलिए, ज्यादा लोग नहीं है, मेरे पास 14 ही है। तो गुलाम मोहम्मद, शुमाइला रजाक, गुलाम मोहम्मद एबसेंट, शुमाइला रजाक, तौसीफ अहमद, अगर सब एबसेंट है तो प्रेजेंट कौन है? खावर सलीम, मुजफ्फर अली, तो चले मैं रीचेक कर लूंगा चैट पे नाम लिखा हुआ। अजीज महमूद सर, उनकी लाइट चली गई है, वो आए थे बीच में तो लाइट की वजह से हो गया। ठीक है, आप ये चैट पे ये वाली बात लिख दें। आज ये है, मेरे जहन में नहीं रहा, मैं नेक्स्ट टाइम एक से ज्यादा अटेंडेंस लूंगा तो ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। मोहम्मद तलहा बेग, नहीं तो मेरे पास लोग कितने नजर आ रहे हैं और यहाँ पे चले नाम ही नहीं आ रहा। प्रेजेंट सर, फरहाना को मैंने शुरू में तो पता नहीं, चलो देख लेता हूँ। जुबैर नवाब, ये फरहाना के लिए। जुबैर नवाब, मलिया शाह, मोहम्मद उबैद जमान, अच्छा मोहम्मद अजहर इकबाल, अफशीन मारूफ। अच्छा अब मैं शुमाइला प्रेजेंट, और मैं चैट विंडो देख लेता हूँ। मैं वो खत्म करने से पहले मैं चैट विंडो देख लेता हूँ, जो जो लोग मौजूद होंगे उन्हें प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर नाम नहीं है इस लिस्ट में, नाम नहीं है। तो इस वक्त अटेंडेंस है कितने लोग मौजूद? 2, 4, 5, 8, 10 और 15 लोग मौजूद हैं और 14 की अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है। सही, तो इसका मतलब है जो मौजूद है उनका नाम नहीं है। यस सर, सर मेरा नाम नहीं, मैंने आप सबने नाम सेव कर लिया? मैं अपने
अपने पास सेव कर लेता हूँ, जब नाम आएंगे तो भी ऐड कर दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा एक चीज से मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, सर चैट रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्डिंग के साथ साथ चैट भी आ जाएगी आपके पास। हाँ चैट उसके पास आ जाएगी, लेकिन वो अटेंड तो मुझे, हाँ वो लाइव में आ जाएगी, ये कह रहे हैं। अच्छा एक सवाल, अब अगर आप लोगों को जाना है तो चले जाएं। एक सवाल जो लोग मुझसे प्रोजेक्ट और थीसिस के मुताबिक पूछ रहे थे उनसे मैं कह रहा था पहले ये लेक्चर सुन लें क्योंकि इसकी डेप्थ ज्यादा है, मुझे 3 घंटे में एक चीज एक्सप्लेन करनी है, उसके बाद अगर आपको थीसिस या प्रोजेक्ट के मुताबिक डिस्कस करना है तो डिस्कस कर लें। तो एक तो मैं थर्सडे को रुकूंगा, तो थर्सडे को आप चाहे ऑनलाइन मुझे ईमेल कर दें, मैं ऑनलाइन बात कर लूँ, मैं प्रेफर करूँगा कि ऑनलाइन खामा खाम इस काम के लिए ना आए यूनिवर्सिटी जब तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। आना चाहे तो थर्सडे को मैं रुकूंगा, आके डिस्कस कर लेंगे, दोनों चीजें पॉसिबल हैं। तो थर्सडे को 5:30 से 8 बजे तक का टाइम है इसमें। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का मतलब जो रिसर्च प्रोजेक्ट जो इस कोर्स से बाहर की चीज है और रिसर्च थीसिस डिस्कस करनी है, जिसे वो डिस्कस कर ले कि अब इन ये आपको ब्रेक मिल गई तो मैं रेफर कर सकता हूँ कि आप वर्ग इस्तेमाल कर लें उसका ये फायदा है ये नुकसान है, और आप वर्ड सेमेंटिक्स इस्तेमाल कर लें उसका ये फायदा है ये नुकसान है। तो फिर आप थर्सडे को आप लोग या तो ऑनलाइन या वो या फिजिकली आके 5:30 से 8 के दरमियान में डिस्कस कर लें इससे, और ईमेल मुझे कर दीजिएगा कि हम तो अगर शेड्यूलिंग करनी पड़ी तो मैं कर दूंगा, पहले आप वरना मैं अवेलेबल हूँगा। गूगल मीट अगर अवेलेबल हुआ तो यही खोल लूंगा, वरना मैं आपको कोई मीट गूगल मीट का नया लिंक भेज दूंगा। हाँ अभी तक के हिसाब से तो यही है, अभी तक के हिसाब से तो यही है। अगर गवर्नमेंट या HEC की तरफ से कोई चीज नहीं चेंज होती तो माजू की पॉलिसी तो अभी तक यही है कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हुआ, जैसे वो अभी 6th क्लास के वालों के साथ हुआ है या प्राइमरी वालों के साथ हो रहा है, तो वो फिर एक अलग बात है, लेकिन माजू की तो पॉलिसी यह है कि 1 अक्टूबर होगा या पहली मंडे से, कि अब ये अगला भी पूरा ऑनलाइन कर लें, मतलब प्लस माइनस 1-2 दिन से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। हो सकता है पूरा वीक खत्म करके अगले वीक से स्टार्ट करें, हो सकता है कि बिल्कुल 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर दें, लेकिन ये स्टार्ट तो फिजिकल स्टार्ट तो होनी है 1 अक्टूबर से, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट का कोई नया रूल ना आ जाए, मौजूदा रूल तो कोई नहीं है। ठीक है तो मैं स्टॉप शेयरिंग, मैं कॉल एंड कर रहा हूं। बाकी आप वेलकम, बाकी आप गूगल का जी सर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आपसे मतलब गाइडेंस लेनी थी, तो थर्सडे को मतलब यूनिवर्सिटी में आके मीटिंग करें या किस तरह से कांटेक्ट करेंगे फिर? किस प्रोजेक्ट के लिए? रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आपकी मर्जी है, अगर आपको मेरे साथ करना है या कोई जनरल मालूमात करनी है तो थर्सडे को मैं अवेलेबल हूँ, आपकी मर्जी है आप यहाँ आ जाएं या मैं गूगल मीट लिंक बना के रख दूंगा, आप उसे मेरे क्लास आवर समझें कि 5:30 बजे से वो लॉग इन रहेगा, मैं ये गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दूंगा तो उस पर आके डिस्कस करना है तो उस पर आके 1 by 1 डिस्कस करना है, ये दोनों ऑप्शंस कर लेंगे। आपकी सुपरविजन में करना सही है तो वो थैंक यू सर।
प्रॉब्लम देखेंगे अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है, मुझे लगा कि आपकी प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं कहूँ कि इसे इस तरह से चेंज कर दें, वो चेंज आपको पसंद नहीं आई तो फिर वो यानी मौजूदा हालत में जो आपने प्रेजेंट किया वो मुझे पसंद नहीं आ रहा और मैंने जो उसमें चेंजेस बताए वो आप कह रही है मुझे ये नहीं करना, तो फिर जाहिर नहीं होगा, वरना जो लिमिट है उसके अंदर जितने प्रोजेक्ट्स करवा सकते हैं उसके अंदर हाँ बिल्कुल हो जाएगा, डिफॉल्ट केस में तो हाँ सही है। ठीक ओके स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं होती।